एंड वेलकम स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड सो इन दिस क्लास वी गोल नॉट डिस्कस आर न्यू टॉपिक दैट इज ऑर्डर एंड रैंकिंग यहाँ पे हम समझेंगे ऑर्डर और रैंकिंग कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से और इसके अलावा इस कोर्स के अंदर जैसे हमने पहले ही बात की थी कि हमने एक नई सीरीज को स्टार्ट किया है तो उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग क्या है हम पहला एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने डायरेक्शन एंड सेंस के बारे में समझा था सेकंड लेक्चर है जिसमें हम समझेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में ऑर्डर और रैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए मैं आपको लेके लेके चलूँगी दूसरे स्लाइड की तरफ दैट इज़ यहाँ पर आप देखेंगे ईयर वाइज आपको बताया गया है कि कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं यू में तो आप देखेंगे 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक से और 2012 में ही अगर हम बात करें तो इस टॉपिक से पूछा गया है दो क्वेश्चन 2013 के अंदर भी आप देखेंगे दो क्वेश्चन है 2014 के अंदर भी इस टॉपिक से तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं दो के अंदर चार क्वेश्चन है और 2016 के अंदर तीन क्वेश्चन है देखेंगे 2017 के अंदर भी चार क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से 2018 में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया है दो में फिर से चार क्वेश्चन को पूछा गया और 2020 में दो क्वेश्चन इक्कीस में भी दो क्वेश्चन और बाईस में भी दो क्वेश्चन और आप देखेंगे 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक से तो आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दो से तीन क्वेश्चन इस टॉपिक से एक्सपेक्टेड होता ही है अगर हम दोनों की बात करें ऑर्डर की और रैंकिंग दोनों को मिला के ठीक है तो हम शुरू करेंगे आई होप ये बात आप समझे होंगे कि कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजी भी है इसे समझना बहुत आसान है और आप बहुत अच्छे से इसमें स्कोर भी गेन कर सकते हैं तो शुरू करेंगे टॉपिक को सो so स्टूडेंट्स जैसे कि हमें नेम सजेस्ट किया गया है ऑर्डर एंड रैंकिंग तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैंकिंग पे तो पहले रैंकिंग का थोड़ा सा बेसिक समझते हैं उसके कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे देन फिर ऑर्डर की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैंकिंग की अब इसमें थोड़ा सा पहले बेसिक समझते हैं कि रैंकिंग का क्या है अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना जो सिटिंग अरेंजमेंट किस होता है इसमें वो ज़्यादातर दो तरीके से होता है जैसे पहला जो पूछा जाता है वो होता है हॉरिजॉन्टल वाइज या फिर इसी को बोल देते हैं रो वाइज ठीक है अब इसमें होता है क्या जो सिटिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी जो हमें पोजिशन बतानी होगी तो इस तरीके से कुछ होगा अब यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि लेफ्ट साइड से ए मान लीजिए कोई ए पर्सन है वो लेफ्ट साइड से टेंथ पोजीशन पे है और राइट right साइड से ट्वेंटी पोजीशन पे है तो इसको शो करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि लेफ़्ट की साइड है और राइट right की साइड है तो इस साइड से जब हम बात करते हैं ना तो ये लेफ्ट साइड होता है जब आप इसकी पोजीशन को काउंट कर रहे हैं अगर आप इस पोजी इस तरफ से आ रहे हैं दैट मीन्स आप राइट right साइड से आ रहे हैं ठीक है तो हम राइट right साइड से उसकी पोजिशन को बता रहे हैं जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है मैंने आपको कह दिया कि ए की जो पोजिशन है वो लेफ्ट साइड से टेंथ है जैसे कि मैंने अभी कहा था तो यहाँ से आगे मान लेते हैं कि टेंथ पॉइंट यहाँ पर होगा दैट मीन्स ए की जो पोजिशन है वो यहाँ पर हो गई कहाँ से लेफ्ट साइड से तो ये लेफ्ट साइड से हो गया और अगर कहा जाए राइट right साइड से ट्वेंटियथ है तो अब पर्सन तो सेम ही है इसका मतलब ये वाली पोजिशन आप देखेंगे पीछे से यानी कि राइट साइड से कौन सी हो, तो तो हो जाएगी ट्वेंटियथ तो यहाँ से लेके अगर आप पोजिशन देखेंगे तो ए की जो पोजिशन हो जाएगी यहाँ से ये हो जाएगी ट्वेंटियथ कहाँ से राइट से ठीक है आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी तो इस तरीके से कुछ सेटिंग अरेंजमेंट हो जाता है अब यहाँ पे मैंने एक पर्सन लिया आप देखेंगे धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाया जाएगा कि दो पर्सन आ जाएंगे तीन पर्सन आ जाएंगे एक ही रो के अंदर ठीक है और जो दूसरा टाइप होता है वो कैसा होता है उसमें जो सिटिंग अरेंजमेंट होता है वो हॉरीजेंटल वाइज़ ना होके वो होता है वर्टिकल या फिर इसी को आप बोल सकते हैं कॉलम वाइज़ तो यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा और इसमें लेफ्ट और राइट तो कुछ नहीं होगा क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे या नीचे से ऊपर की तरफ दैट मीन्स यहाँ पे या तो टॉप होगा या फिर बॉटम होगा ठीक है दो ही तरफ से यहाँ पे हमें पोजीशन बतानी है अब जैसे इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में करके देखते हैं तो मान लीजिए हमें कहा गया है कि ए की जो पोजीशन है वो टॉप से कहाँ पर है टेंथ पे है तो टॉप यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना है तो यहाँ से आप मूव करेंगे मान लेते हैं कि टेंथ पोजीशन इस पॉइंट पे होगी तो ये आ गया टेंथ पोजीशन और अगर यही कहा जाए कि बी की ए की जो पोजीशन है वो बॉटम साइड से ट्वेंटी पे है तो अब पर्सन तो एक ही है ये ए जिसके बारे में हमने बात की तो ये बैठा तो यहीं पर है पर ये पोजीशन अगर आप नीचे की तरफ से काउंट करेंगे तो कितने नंबर पे है ट्वेंटी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ट्वेंटी पोजिशन आ जाएगी ये कहाँ से आएगी बॉटम से और ये वाली कहाँ से आई है टॉप से आई होप ये समझ में आ गया होगा बस इतना सा ही बेसिक है इसका बाकी जो चीज़ें हैं वो हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्पल को लेंगे जैसे ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल लिया कि ए की जो पोजिशन है वो सेवनटीन है कहाँ से फ्रॉम लेफ्ट साइड से और ट्वेंटी फोर्थ पोजिशन है कहाँ से राइट साइड से ठीक है तो नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो हमसे क्या पूछा गया कि कितने पर्सन है रो के अंदर हमें ये बताना है तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है सेम अब देखेंगे यहाँ पे कहा गया है रो वाइज हमसे पूछा गया That means first वाला टाइप है तो फर्स्ट वाले टाइप में जो सेटिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है अब यहाँ पे A की जो पोजीशन है लेफ्ट से कितनी है सेवनटींथ तो मान लेते हैं कि लेफ्ट से हमने इस तरफ से काउंट करेंगे आप तो लेफ्ट से आप काउंट करेंगे मान लेते हैं कि सेवनटींथ इस पॉइंट पे तो ये आ गया कहाँ पर ये आ गया सेवनटींथ पोजीशन पे और अगर यही हमें कहा जाए कि राइट से कितनी है ट्वेंटी फोर्थ तो राइट हमारा किधर है इस तरफ से हम आएंगे तो मान लीजिए इस तरफ से हम आते हैं और यही सेम पॉइंट पे आएंगे क्योंकि पर्सन एक ही है अब ये दो जगह तो नहीं बैठ सकता एक ही जगह बैठा हुआ है तो यहाँ से आपने पीछे से इसकी पोजिशन को काउंट किया तो ये आ रही है ट्वेंटी फोर्थ और अगर आपने लेफ्ट साइड से काउंट किया तो ये आ रही है सेवनटीन ठीक है अब इसमें हमसे पूछा क्या गया है नंबर ऑफ परसेंट बताना है कि इस रो में कितने आप देखेंगे अगर आगे की तरफ से ही हमने देखा इस चीज़ों को तो पहले पेन को चेंज करते हैं कलर जैसे अब आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर ये आगे से यानी कि लेफ्ट साइड से सेवनटीन पोजीशन में तो इससे पहले ए से पहले कितने परसेंट यहाँ पर पहले से ही बैठे दैट मीन्स सिक्सटीन परसेंट पर पहले से और अगर आप यहाँ राइट साइड से देखेंगे तो कितने पर्सन हो गए तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसकी पोजीशन ट्वेंटी फोर्थ है दैट मीन्स इसके पीछे कितने बच्चे बैठे हुए हैं ट्वेंटी थ्री स्टूडेंट्स पहले बाद में हैं इसके है ना अब हमसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ बताइए तो देखिए एक ही पर्सन की पोजीशन जब हमें आगे से भी पता हो उसी पर्सन की हमें पीछे से भी पता हो तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकालना काफ़ी ईजी हो जाता है अब आप देखेंगे यहाँ पर हमने क्या काउंट किया है सिक्सटीनथ है तो सिक्सटीन प्लस में ये वाली जो पोजीशन है ये किसकी है एक ही है ये आगे से कितनी है सेवनटीन और पीछे से ट्वेंटी फोर्थ है तो पर एक ही पर्सन तो है ना तो एक हम इसको काउंट करेंगे प्लस में ट्वेंटी थ्री आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सेवन थ्री तो ये हो जाएगा फोर्टी दैट मीन्स टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं तो फोर्टी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर ठीक है तो फोर्टी तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं फोर्टी स्टूडेंट्स हैं ठीक है, है अब अगर ये आप ऐसे करना चाहें तो ठीक है अगर आप ऐसे नहीं करना चाहें तो मैं इसका एक फार्मूला भी बताती हूँ फार्मूला क्या होता है कि जितने भी पर्सन हैं जो भी पर्सन है उसकी जो भी हमें पोजिशन पता है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से उसको लिखेंगे तो जैसे अगर हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो इसका सिंपल तरीका क्या हो जाता है पोजिशन बताइए उसकी लेफ्ट साइड से प्लस में पोजिशन उसकी राइट right साइड से और इसके अलावा आप क्या करेंगे माइनस वन करेंगे अभी हमने माइनस वन क्यों किया क्योंकि आप देखेंगे जब हमने इसकी पोजीशन आगे से बताई थी यानी कि लेफ़्ट साइड से तो भी इस पर्सन को इंक्लूड किया गया था यानी कि सेवनटीन्थ जगह पे तो यही बैठा हुआ था और जब आपने राइट right साइड से बताई तो राइट right साइड से जब बताई तो भी ट्वेंटी फोर्थ पोजिशन पर यही बैठा था है ना तो यहाँ पे आप देखेंगे सेवनटीन्थ और ट्वेंटी फोर्थ ये दोनों पोजिशन पर बैठा तो एक ही पर्सन है ना तो अगर आप इसको ऐसे ही काउंट कर लेंगे दैट मीन्स आपने दो बार इसको काउंट कर लिया पर पर्सन तो एक ही है तो काउंट तो एक ही बार होना चाहिए दैट्स वाई हमने ये माइनस वन किया ठीक है अब आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे आगे से इसकी जो पोजीशन है लेफ्ट साइड से वो कितनी है सेवनटीन्थ तो यहाँ पे पुट किया जाएगा सेवनटीन प्लस में और राइट right साइड से कितनी है ट्वेंटी तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ट्वेंटी फोर्थ और फिर माइनस वन सॉल्व करेंगे इसको तो आप इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा फोर्टी वन माइनस में वन इसकस टू फोर्टी तो ये दो तरीके हैं हाँ आपके पास आप जिस भी तरीके से कंफर्टेबल फील करें उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे तो आपको इस तरीके से यूज़ करेंगे और अगर आप फॉर्मूले के थ्रू जाना चाहेंगे तो ये वाला तरीका क्या है सही है ठीक है तो आई होप ये समझ में आया होगा अगर ये समझ में आया तो सेम कॉन्सेप्ट हमने एक क्वेश्चन दिया है ये रहा क्वेश्चन आप इसे ट्राई करें तो मेरा सजेशन है कि वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें तो शुरू करेंगे जैसे हमें क्वेश्चन में कहा गया इन आ रो ऑफ अ पर्सन पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट साइड आप देखेंगे ए की पोजीशन कहाँ से बताई गई है लेफ्ट साइड से कितनी बताई गई है सेवनटीन्थ एंड पोजिशन ऑफ ए और यहाँ पर भी ए है दैट मीन्स सेम पर्सन है राइट साइड से पोजिशन बताई है कितनी ट्वेंटी फोर्थ तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन आ रो तो आप देखेंगे जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है सेम वही चीज़ बताई गई है सेवनटीन है और ट्वेंटी फोर्थ है ठीक है तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है ठीक है तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे अब यहाँ पे कहा क्या गया है टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो तो बताना है कि इस रो में कितने लोग बैठे हुए हैं अभी हम देखेंगे कि हमने पीछे सेम क्वेश्चन को किया था तो हमारा आंसर कितना आया था फोर्टी तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आना चाहिए फोर्टी अब आप देखेंगे ऑप्शन में फोर्टी कहीं पे भी नहीं है कहीं पे नहीं है इसका मतलब नन ऑफ दीज हमारा क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा तो आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसकी नंबरिंग को पोजिशन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है ट्वेंटी और यहाँ पर हम ले लेते हैं फिफ्टींथ पोजीशन पे ठीक है अब अगर इसको इस तरीके से किया जाएगा तो क्या हो जाएगा देखते हैं। अब यहाँ से ए की जो पोजीशन है लेफ्ट साइड से कितनी है 15, तो लेफ्ट साइड से आप मूव करेंगे फिफ्टीथ पोजीशन यहाँ पर है ठीक है मान लेते हैं और अगर आप राइट right साइड से आएंगे तो ट्वेंटी नाइन्थ पोजिशन बन रही है सेम तो ये आ गई ट्वेंटी नाइन्थ मान लेते हैं ट्वेंटी नाइन्थ पोजिशन हो जाएगी ये है राइट right साइड से और ये है लेफ्ट साइड से ठीक है अब हमें बताना क्या है टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं इस रो के अंदर तो आप देखेंगे कितने पर्सन हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर ये फिफ्टीन पोजीशन पर बैठा है दैट मीन्स इससे पहले 14 स्टूडेंट्स होंगे पर्सन होंगे और अगर इसके बाद वाली पोजीशन को चेक किया जाता है तो क्या आएगा तो फिर ये हो जाएगा अगर राइट साइड से ये ट्वेंटी नाइन्थ है दैट मीन्स इससे पहले इसके बाद ट्वेंटी एट्थ पर्सन क्या होंगे वो सिटिंग होंगे अब इसको जब हमें काउंट करना है तो क्या करना है फोर्टीन प्लस में एक पोजिशन तो एक ही होगी तो वन प्लस में ट्वेंटी एट या तो आप इस तरीके से कर लीजिए आप इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा. 32 और 33 ये हो जाएगा थर्टी टू और थर्टी थ्री ये हो जाएगा थर्टी थ्री तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे थर्टी थ्री ठीक है फोर्टी थ्री ये हो जाएंगे फोर्टी थ्री तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे हमारे पास कितने फोटी थ्री ठीक है और अगर आप इसे फॉर्मूले के तरीके से करना चाहेंगे तो हमने देखा कि लेफ्ट साइड से जो इसकी पोजीशन है वो है फिफ्टीन और फार्मूला हमारा जो था टीपी का वो क्या था वो था पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट प्लस में पोजीशन फ्रॉम राइट और माइनस वन तो इस तरीके से आप जाएंगे तो फिफ्टीनथ है इसकी पोजीशन लेफ्ट साइड से और राइट right साइड से अगर आप पोजीशन देखेंगे तो ये कितनी है ट्वेंटी नाइन्थ और माइनस वन आप इसे करेंगे तो ये हो जाएगा नाइन और फोर्टी फोर को फोर हासिल लग गया एक दो तीन और एक चार ये हो जाएगा फोर्टी फोर माइनस वन तो ये आ जाएगा फोर्टी थ्री ठीक है तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा अगर ये क्वेश्चन चेंज होता तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा नन ऑफ दीजी हो जाएगा ठीक है सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा आगे की तरफ मूव सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इन अ रो ऑफ ट्वेंटी फाइव परसेंट एक रो के अंदर ट्वेंटी फाइव परसेंट सिटिंग है जिसमें हमें पी की पोजीशन बताई गई है लेफ्ट साइड से कितनी है टेंथ है और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द पोजिशन ऑफ पी फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो तो हमसे पी की पोजिशन पूछी गई है राइट right साइड से तो जैसा क्वेश्चन में गिवन है पहले उसको अरेंज करते हैं मान लेते हैं ये रो होगा इसके अंदर टोटल कितने परसेंट बैठे हुए हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट पहले से ही सेटेड हैं ठीक है ठीके? और हमें पी की पोजीशन बताई गई है कहाँ से लेफ्ट साइड से तो पी को भी अरेंज करते हैं पी की अगर हमें लेफ्ट साइड से बैठा है दैट मीन्स वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो कितनी है पोजीशन टेंथ दैट मीन्स मान लेते हैं यहाँ कहीं पे होगी टेंथ पोजीशन तो पी की पोजीशन टेंथ है ये हमें यहाँ से पता चला अब हमें क्या पूछा गया है कि पी की पोजिशन हमें राइट साइड से बतानी है तो देखिए अगर पी टेंथ पोजिशन पे है दैट मीन्स पी से पहले कितने लोग होंगे जो इस रो के अंदर बैठे हुए हैं दैट मीन्स नाइन परसेंट ऐसे होंगे जो पी से पहले बैठे होंगे तो हम इसे लेस करते हैं इसमें से टोटल हमें स्टूडेंट्स टोटल हमें पर्सन पता है ट्वेंटी फाइव है इसमें नाइन परसेंट है जो इसके आगे बैठे हुए हैं तो इसके पीछे कितने बैठे हुए हैं वो अपने आप पता चल जाएंगे आप इसको लेस करेंगे या आ जाएगा सिक्सटीन यानी कि जो पी की पोजीशन है अगर आप राइट साइड से देखेंगे तो कितनी हो जाएगी सिक्सटीथ पोजीशन हो जाएगी ठीक है क्योंकि इसके पीछे कितने लोग बैठे हुए हैं फिफ्टीन लोग यहाँ पे बैठे होंगे क्योंकि एक तो ये खुद भी हो गया हमने इसको काउंट कहाँ किया है ठीक है और पीछे से यानी कि इसके बाद जो लोग बैठे होंगे फिफ्टीन पीपल इसके बाद बैठे होंगे और सिक्सटीन नंबर किसका है वो पी का ही है ठीक है और अगर आप फॉर्मूले के तरीके से इसको करेंगे तो जैसे टोटल पर्सन हमें जितना गिवन है पहले उसे रखेंगे तो यहाँ पे अगर हमें निकालना है P की पोजीशन फ्रॉम राइट साइड से तो इसके लिए क्या करना है टोटल हमें जितने पता है उसको रखिए तो टोटल हमारे पास है ट्वेंटी फाइव और P की पोजीशन जहाँ से आपको पता है अगर राइट right साइड से पता है तो राइट right वाली लिखिए राइट लेफ्ट साइड से पता है तो लेफ़्ट वाली तो इस क्वेश्चन में हमें लेफ़्ट साइड से पता है टेंथ पोजिशन पर ठीक है इसके बाद क्या करना है माइनस यहाँ पर करेंगे हम प्लस वन अब ये हम प्लस वन क्यों कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें यहाँ पे हमने देखा था हमने माइनस वन किया था क्योंकि सेम पर्सन की जो पोजीशन थी वो हम दो बार काउंट कर रहे थे इस वाले केस में दो बार काउंट हो जा रही थी एक बार आगे से और एक बार पीछे की साइड से दैट्स वाई हमने यहाँ पे माइनस किया था लेकिन इस वाले केस में तो हमें क्या है एक ही पर्सन की दोनों तरफ से पोजीशन दिखानी पड़ेगी हमने यहाँ से तो बता दिया कि टेंथ पोजीशन पे है पर पीछे से भी तो जब आप काउंट करेंगे इस वाले साइड से राइट साइड से तब भी तो आपको इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है यानी कि दो बार काउंटिंग करने के तरीके से हम कह सकते हैं तो इसीलिए हम यहाँ पर प्लस वन करते हैं अब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा फिफ्टीन प्लस वन दैट मीन सिक्सटीनथ पोजिशन है किसकी पी की कहाँ से राइट साइड से ठीक है तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ऑप्शन में जाएँ तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा तो ये एक तो पहला टाइप हमने देखा जहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर पूछा जाता है एक ही पर्सन की पोजीशन हमें दोनों तरफ से बताई गई लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी और हमसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने सेकेंड वाले टाइप में आप देखेंगे यहाँ पर क्या किया गया था हमें एक पर्सन की पोजीशन बताई गई पर एक ही डायरेक्शन से बताई गई और ये भी बता दिया गया कि टोटल पर्सन कितने हैं उस पूरे रो रो के अंदर तो हमसे दूसरे वाले पर्सन की यानी कि पी की पोजीशन हमसे राइट साइड से पूछ ली गई ठीक है तो एक तो ये सिंपल क्वेश्चन थे ये सबसे सिंपल कैटेगरी जिसे हम बोले टाइप थे रैंकिंग के आगे मूव सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इन आ रो ऑफ सिक्सटी टू परसेंट बताया गया है एक रो के अंदर सिक्सटी टू परसेंट सेटिंग है पी इज़ ट्वेल्थ पी की पोजिशन बताई गई है लेफ्ट साइड से कितनी है ट्वेल्थ है एंड क्यू अब यहाँ पे आप देखेंगे दो पर्सन आ गए अब तक हमने जो देखे थे उसमें एक ही पर्सन की पोजीशन बताई जा रही थी यहाँ पे एक पर्सन पी है और दूसरा पर्सन क्यू है क्यू की भी पोजीशन बताई गई है ट्वेंटी फर्स्ट है कहाँ से राइट साइड ऑफ द रो से तो फाइंड द नंबर ऑफ अ पीपल सिटेड बिटवीन पी और क्यू तो हमें बताना है पी और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं तो जैसा हमें बताया गया है पहले हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं जैसे मान लेते हैं ये हमारी रो हो गई टोटल इसमें कितने लोग बैठे हैं तो 62 परसेंट पहले से ही यहाँ पे क्या है सिटेड है ठीक है और क्या बताया गया है पी की पोजीशन बताई गई है ट्वेल्थ है तो पी की पोजीशन कहाँ से बताई गई है लेफ्ट साइड से दैट मीन्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा पी तो इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पर होगी क्या है पी की पोजिशन कितनी है ट्वेल्थ है ठीक है और आगे हमें बताया गया है क्योंकि पोजीशन ट्वेंटी फर्स्ट है फ्रॉम राइट साइड से तो क्योंकि पोजीशन भी हम लगाएंगे अब यहाँ पे क्या है दो तरीके के केस बन जाएंगे कैसे जैसे मान लीजिए जो मैंने कहा क्योंकि पोजीशन मुझे बतानी है तो हो सकता है क्योंकि पोजीशन यहाँ कहीं पर हो पी से पहले हो सकता है तो मान लेते हैं ट्वेंटी फर्स्ट यहाँ पर हो क्योंकि पोजिशन या फिर इसका सेकेंड केस भी हो सकता है सेकेंड केस में क्या हो सकता है उसको देखते हैं सेकेंड केस में हो सकता है चलो पी की पोजिशन हमें पता है कि यहाँ से यहाँ पे कहीं है ट्वेल्थ पोजिशन पे हो सकता है क्यू की पोजिशन ट्वेंटी फर्स्ट बताएगी हो सकता है कि क्यों क्या हो यहाँ कहीं पे पी से पहले ही सिट कर रहा हो सकता है बिल्कुल कि ये क्यू है और ये पी है तो यहाँ पे आप देखेंगे दो केस बन गया एक ये वाला और एक ये वाला केस अब क्या कहते हैं इन केस को तो ये वाला जो केस है नीचे वाला इसे बोला जाता है ओवरलैपिंग ठीक है और ये वाला जो केस है यहाँ पे नो ओवरलैपिंग चल रही है ठीक है तो ये दो केस बन सकते हैं इस क्वेश्चन में अब हमें पता कैसे चलेगा तो क्वेश्चन में आपको पहले से ही चेक करना पड़ेगा कि क्वेश्चन जो क्वेश्चन है उसके अंदर ओवरलैपिंग हो रही है या नहीं हो रही होगी तो इसे चेक करने का तरीका क्या होता है इसे चेक करने का तरीका होता है नेक्स्ट पेज पे समझते हैं अब इसे चेक करने का तरीका क्या है टोटल नंबर ऑफ़ जितने भी आपको बताए गए हैं पर्सनस हैं टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन जो होते हैं उनको हमें चेक करना होता है जैसे यहाँ पे दो पर्सन बताया गया था तो पोजीशन आप ले लीजिए पी की ठीक है पी की पोजीशन और यहाँ पे हमें लेना है किसकी किस की क्योंकि दोनों की पोजीशन को ऐड कीजिए और अगर ये क्या होते हैं अब इसमें ग्रेटर देन और देन वाला प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा जैसे अगर टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़्यादा हुए यानी कि पर्सन ज़्यादा हुए पी और क्यू को काउंट करने के बाद दैट मीन्स ये वाला केस हो जाएगा नो no ओवरलैपिंग का यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही होगी और अगर टोटल जो नंबर है टोटल जो पोजीशन है या टोटल जो पर्सन वहाँ पे सेटेड है वो लेस देन हो जाएंगे पी की पोजीशन से जो हमें गिवन है और पोजीशन ऑफ क्यू से अगर ये वाली चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो दैट मीन्स यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही होगी और आपने दोनों का डायग्राम भी देख लिया जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही होती वहाँ पे दोनों की पोजीशन अलग अलग होती है यहाँ से हमने देख लिया इनके बीच में गैप जनरेट हो रहा होता है ठीक है और अगर ये वाला केस हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाती है दोनों चीज़ें एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है पी की पोजिशन अगर यहाँ पर कहीं है तो क्यों की पोजिशन यहाँ हो जाती है ठीक है तो आप देखेंगे ये एक दूसरे को क्रॉस करके चले जाते हैं इसे हम बोलते हैं ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर और इस वाले केस में हम बोल देते हैं नो ओवरलैपिंग का केस है तो दोनों केस को समझेंगे हम अच्छे से कि कैसे इनका सॉल्यूशन किया जाता है क्वेश्चन में काफ़ी एग्ज़ाम में ये ओवरलैपिंग वाले केस को काफी ज़्यादा पूछा जाता है इसको मिनिमम इसमें एक कैटेगरी और जोड़ दी जाती है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन तो समझते हैं अब जैसे हमने ये तो देख लिया कि ये वाला केस था और ये वाला केस था इस वाले केस का जब हम सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट वाले केस का तो इसमें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगी आपको जब नो ओवर लेपिंग का केस है तो मैं इसको डिलीट करती हूँ यहाँ से क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम चेक करते हैं तो हमें जो टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन गिवन है वो सिक्सटी टू है और अगर आप पोजीशन चेक करेंगे किसकी दोनों की पोजीशन को ऐड करके चेक करेंगे कि कितनी आ रही है तो यहाँ पे आप देखेंगे ट्वेल्व है प्लस में ट्वेंटी वन है आप इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा थर्टी थ्री और ये है 62, that means ये वाली साइड ग्रेटर है और ग्रेटर है तो ये कौन सा केस बन जाएगा नो no ओवरलैपिंग का तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है तो पहले नो no ओवरलैपिंग वाले केस को समझते हैं, फिर ओवरलैपिंग तो डिलीट करती हूँ तो इसमें क्या करना है हमें ये तो पता चल गया कि हाँ यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है दैट मीन्स क्यू की जो पोजीशन हो जाएगी वो यहीं पर कहीं होगी यानी कि पी को क्रॉस करके नहीं जाएगा क्यू ठीक है अब हमसे पूछा क्या गया था तो हमें बताना है कि पी और क्यू के यानी कि इस वाले जो जगह है जो गैप है इसमें कितने लोग बैठे हुए हैं हमें ये बताना है पी और क्यू के बीच में तो बताने का तरीका क्या हो जाएगा किस तरीके से बताया जाएगा तो अगर आपसे बिटवीन वाला केस पूछा जाता है दैट मीन्स बिटवीन कितने लोग बैठे गए हैं पी और क्यू के बिटवीन P एंड Q. तो कितने लोग हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन जितने आपको बताए गए हैं वो इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या माइनस करेंगे जो पोजीशन है हमें बताई गई है पी की पी की प्लस में पोजीशन जो हमें बताई गई है क्यू की तो अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर्सन कितने थे सिक्सटी टू इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमने देखा था इसका टोटल कितना आ रहा था थर्टी थ्री तो यहाँ पे रखते हैं थर्टी थ्री आप इसमें से लेस करेंगे तो ये जो हमारा रिजल्ट आएगा दैट इज़ ट्वेंटी नाइन दैट मीन्स इन दोनों के बीच में जो पर्सन सेटेड है वो कितने हैं ट्वेंटी नाइन पर्सन है जो पी और क्यू के बीच में क्या है बैठे हुए हैं ठीक है तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी तो सबसे पहले क्या करना था ऐसे वाले केस में जब क्वेश्चन हमें पूछा जाता है तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि ये ओवरलैपिंग का केस है कि नहीं है चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो होते हैं अगर वो ग्रेटर देन है किससे जो भी हमें जितने भी लोगों की पोजिशन बताई गई है उनके सम से दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा नो no ओवरलैपिंग का केस होगा लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन लेस देन हो जाएंगे जितने भी हमें पोजिशन बताई गई है उन सबको ऐड करने के बाद उनके सम से तो दैट मीन्स ओवरलैपिंग का केस हो जाएगा अगर ये वाला केस है तो आपने देख लिया कि इसमें हम कैसे निकालते हैं इसमें बेडमिन वाला क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि पी और क्यू के बीच में कितने लोग पर्सन सेटेड हैं ये इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है ठीक है तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वहाँ समझते हैं कि जब हमें ओवरलैपिंग का केस देता है तो हम किस तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे हमें गिवन है इन आ रो ऑफ फिफ्टी परसेंट एक रो के अंदर कितने लोग बैठे गए बैठे हैं फिफ्टी परसेंट सिटेड है तो यहाँ पे फिफ्टी परसेंट सिटेड है और हमसे क्या पूछा गया है ए इज़ थर्टी फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट साइड ए की पोजिशन बताई गई है थर्टी फिफ्थ है कहाँ से लेफ्ट साइड से ऑफ़ द रो रो में ही बैठे हैं ये एंड बी इज़ ट्वेंटी सेकेंड बी की जो पोजीशन बताई गई है वो कितनी है ट्वेंटी सेकेंड है कहाँ से राइट right साइड से ऑफ़ रो ये गलत है यहाँ पर आएगा रो तो हमसे क्या पूछा गया फाइंड द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी तो हमें बताना है ए और बी के बीच में कितने पर्सन सिटेड है सेम पहले वाला क्वेश्चन हो गया पर यहाँ पे सेम जैसे हमें पहले क्या करना है चेक करना है कि ओवरलैपिंग का केस है कि नहीं है तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन तो सबसे पहले क्या करना है चेक करना है तो चेक करने का तरीका हमने देखा था टोटल नंबर ऑफ पर्सन अगर ये क्या होते हैं यहाँ पे हमें रखना है पोजीशन हमें चेक करनी है ए की प्लस में पोजीशन हमें चेक करनी है बी की अब देख लो अगर ये ग्रेटर देन है कि लेस देन है तो यहाँ पे चेक करते हैं ये हमें है फिफ्टी गिवन है और ए की पोजीशन हमें थर्टी फाइव गिवन है प्लस में बी की पोजीशन ट्वेंटी सेकेंड गिवन है दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा सेवन और ये हो जाएगा फाइव फिफ्टी सेवन दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया ज़्यादा हो गया फिफ्टी से और टोटल नंबर ऑफ पोजिशन टोटल नंबर से अगर जो पोजिशन का सम है वो ज्यादा आ जाता है दैट मीन्स कि ये कौन सा केस हो जाएगा ये हो गया ओवरलैपिंग का केस ठीक है तो ये हो गया हमारा ओवरलैपिंग का केस अब ओवरलैपिंग के केस का जो डायग्राम होता है वो किस तरीके से बनेगा तो जैसे अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो ये है हमारे पास रो में ही बैठे हुए हैं ये ठीक है अब हमें यहाँ पे एक ही पोजीशन बताई गई है लेफ्ट साइड से कितनी है थर्टी फाइव तो एक ही पोजीशन इस साइड से आप चेक करेंगे थर्टी फाइव मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा ठीक है तो ये हो गया हमारा थर्टी फाइव हाफ से ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और थोड़ा दूर करते हैं इसको तो हमें एक की पोजिशन एक की पोजीशन लेफ्ट साइड से बताई गई है थर्टी फाइव तो मान लेते हैं थर्टी फाइव यहाँ कहीं होगा ठीक है और हमें बताई गई है बी की पोजीशन कितनी है ट्वेंटी सेकेंड है कहाँ से राइट साइड से तो ट्वेंटी सेकेंड क्योंकि ओवरलैपिंग का केस है दैट मीन्स एक दूसरे को क्रॉस करके जाएंगे तो यहाँ से आप देखेंगे तो मान लेते हैं ट्वेंटी सेकेंड यहाँ कहीं होगा ठीक है ये किसकी पोजीशन है बी की और ये किसकी पोजीशन है ए की ठीक है अब यहाँ पे हमसे पूछा गया, गया हमसे यही पूछा गया है कि ए और बी के बीच में कितने लोग सिटिंग हैं दैट मीन्स इस वाले प्लेस पे कितने लोग हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डबल काउंटिंग हो जा रही है एक तरीके से क्योंकि पी की पोजीशन इस वाले में भी काउंट हो रही है और क्योंकि पोजीशन बी की पोजीशन इस वाले में भी काउंट हो रही है तो इसमें कैसे हम निकालते हैं बिटवीन वाले केस में तो यहाँ के लिए क्या करना पड़ता है तो इसमें अगर हमें अब यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि ओवरलैपिंग का केस था डायग्राम आपने देख लिया कि ए से लेके बी तक के बीच में कितने लोग सेटेड है हमसे ये पूछा गया है अब इसमें अब देखेंगे कि जो ए की पोजीशन है वो दो बार काउंट हो गई है कैसे अब आप देखेंगे यहाँ से जो ए की पोजीशन है वो थर्टी फिफ्थ है और आप देखेंगे बी की पोजीशन में ये काउंट हो चुका है क्योंकि बी की पोजीशन इसको कट करके यहाँ तक आगे आ रही है तो ये तो इसमें काउंट हो चुका है बी की पोजीशन में और ए की पोजीशन में भी आप देखेंगे बी पहले से काउंटेड है दैट मीन्स ये डबल बार यहाँ काउंटिंग हो गई है तो अगर आप इसका फॉर्मुला लिखेंगे तो नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा जब ओवरलैपिंग वाला केस होगा और हमें बिटवीन निकालना है तो ओवरलैपिंग के केस में अगर हमें बिटविन निकालना है किसके बीच में ए एंड बी के बीच में तो क्या तरीका हो जाता है तो यहाँ पे दोनों की पोजीशन को पहले ऐड करना है तो हमने देखा था पोजीशन ऑफ ए प्लस में पोजीशन ऑफ बी आप ऐड करेंगे फिर इसमें से माइनस कर देंगे क्या टोटल पोजीशन जो थी तो टोटल पोजीशन हमारे पास जितनी है उसे माइनस करेंगे इसके अलावा माइनस टू करेंगे अब ये माइनस टू क्यों किया जा रहा है मैंने बताया कि यहाँ पे ए और बी की क्या हो जा रही है डबल काउंटिंग हो जा रही है जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा इसको माइनस करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर डबल बार काउंट हो गए थे ए और बी इसकी वजह से हम यहाँ पर टू माइनस करेंगे तो जो जो हमें गिवन है पहले उसको पुट करते हैं क्या पता था हमें ए की पोजिशन थर्टी फिफ्थ है और बी की कितनी है थर्टी ट्वेंटी टू तो ए की पोजिशन कितनी है ये है थर्टी फाइफ बी की पोजीशन है ट्वेंटी सेकेंड और इसमें से हमें माइनस करना है कितना फिफ्टी और माइनस का टू तो आप देखेंगे जब हमने इनको ऐड किया तो ये आता है फिफ्टी सेवन माइनस में फिफ्टी और माइनस में टू इसे प्लस माइनस कर लेंगे तो आप देखेंगे इसमें से माइनस करेंगे आएगा सेवन माइनस टू दैट मीन्स फाइव तो इसका मतलब ए और बी के बीच में कितने पर्सेंट बैठे हैं फाइव ठीक है 5 तो आई होप कि आपको ये दोनों केस अच्छे से समझ में आए होंगे एक बार मैं रिपीट करूँगी इस केस को जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था यहाँ पर यहाँ पे हमने देखा था पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि ओवरलैपिंग का केस है कि नहीं है इसको फाइंड कैसे किया जाएगा ये मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ कि टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन यानी कि जो पोजीशन बताई गई होगी अगर वो दोनों पर्सन या दो से ज़्यादा पर्सन है उनके सम से ज़्यादा है दैट मीन्स नो ओवरलैपिंग का केस होगा नो no ओवरलैपिंग के केस में डायग्राम आप देख चुके हैं इस तरीके से बनता है ए और बी के बीच में गैप रह जाता है और इनकी काउंटिंग एक ही बार होती है ठीक है जबकि ओवरलैपिंग वाले केस में क्या हो जाता है दो बार काउंटिंग हो जाती है एक से ज़्यादा बार एक पर्सन को काउंट कर लिया जाता है जब पी की पोजिशन हमने बताई है यहाँ से लेफ्ट साइड से तो क्यू पहले से ही इसमें काउंट हो गया और जब हमने क्यू की पोजिशन बताई तो इसमें हमने पी को दोबारा क्या कर लिया काउंट कर लिया गया तो यहाँ पर डबल काउंटिंग हो जाती है तो यहाँ पर आप देखेंगे ओवरलैपिंग का केस ये हो जाता है ठीक है तो अब ये तो समझ में आया तो क्वेश्चन को पहले पढ़ के सबसे पहले क्या करना पड़ता है पहले सबसे पहले चेक करेंगे कि ओवरलैपिंग का केस है या नहीं है जब आप चेक कर लेंगे उसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे डायग्राम को ड्रॉ कर पाएंगे ठीक है तो इस केस में हमने पहले इसको चेक किया कि क्या था तो यहाँ पर आप देखेंगे नो ओवरलैपिंग का केस था क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पोजिशन जो थी वो ज़्यादा थी जितने भी लोग थे उनकी पोजिशन के सम से ठीक है तो इस केस में हमने देखा टोटल अगर हमें बिटवीन निकालना पड़ता है पी और की की पी और क्यों के बीच में कितने पर्सन हैं तो टोटल जो पर्सन होते हैं उनको माइनस किया जाता है जो हमें दोनों लोगों की पोजीशन पता थी उनको प्लस करके इसमें से आप माइनस करेंगे तो हमें मिल जाता है आसानी से क्या है बेटेमिन वाला केस अब हमें इसमें से टू नहीं माइनस करना पड़ा क्यों क्योंकि दोनों को एक ही बार तो काउंट किया गया पी की काउंटिंग एक ही बार हुई है क्यू की काउंटिंग एक ही बार हुई है ठीक है जबकि दूसरे वाले केस में क्या हो जाता है ओवरलैपिंग वाले केस में तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर जो हमें मिलता है वो क्या हो जाता है ग्रेटर हो जाता है किससे जो हमें टो तो, ये दोनों की पोजीशन की बनती उससे कम हो जाता है यानी कि दोनों की पोजीशन ज़्यादा हो जाती है टोटल नंबर ऑफ़ पोजिशन से ठीक है तो इसका जो डायग्राम होता है आप देखेंगे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाता है और अगर क्रॉस करते हुए जाता है तो यहाँ पर डबल काउंटिंग हो जाती है एक की जब हमने पोजिशन बताई तो उसमें बी ऑलरेडी काउंट हो गया जब हमने बी की पोजीशन बताई तो उसमें ए बी क्या हो गया ऑलरेडी काउंट हो गया दैट मीन्स यहाँ पे ए और बी की क्या हो जाती है डबल काउंटिंग हो जाती है ठीक है तो आपको ध्यान रखना है इस बात को तो इसके लिए जो फॉर्मूला था आप देखेंगे पहले वाले फार्मूले जैसा ही है बस यहाँ पर डबल काउंटिंग की वजह से हमें क्या करना पड़ गया टू को भी यहाँ से माइनस करना पड़ गया और बाकी चीज़ें सेम थी तो आई होप कि आपको ये दोनों केस अच्छे से समझ में आए होंगे ठीक है अगर ये अच्छे से समझ में आए होंगे तो सो so, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है पी एंड क्यू आर स्टैंडिंग इन आ रो ऑफ पर्सन पी और क्यू क्या है सिटिंग है किसी बहुत सारे लोग जो बैठे हैं उनके बीच में पी की जो पोजीशन है वो एटीनथ है कहाँ से लेफ्ट साइड से और क्यू की जो पोजीशन है वो ट्वेंटी फोर्थ है कहाँ से राइट right साइड से इफ दे इंटरचेंज देयर पोजिशन बिकेम थर्टी फर्स्ट फ्रॉम लेफ़्ट तो अगर ये अपनी पोजिशन को क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं तो पी की जो पोजिशन हो जाती है वो थर्टी हो जाती है लेफ्ट से ठीक है तो आप देखेंगे इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था ओवरलैपिंग वाला तो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से तीन टाइप की तीन जो टाइप है रैंकिंग के वो बहुत इंपॉर्टेंट है पहला तो यही जो हमने पढ़ा ओवरलैपिंग वाला केस सेकंड केस अब आप पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे इंटरचेंज वाला और थर्ड टाइप जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मिनिमम नंबर ऑफ और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन रो होगा तो रो कॉलम होगा तो कॉलम ये तीन टाइप है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी आप जब सॉल्व करेंगे मेरे साथ तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना वो इन्हीं तीन टॉपिक पे बार बार रिपीटेडली पूछे गए हैं ठीक है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को बढ़ाया गया है कम किया गया है लेकिन जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर इन्हीं तीन टाइप में ही आप कैटेगराइज़ कर पाएंगे अगर एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे या फिर जो प्रीवियस ईयर है उसको आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि तीन टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैंकिंग के प्रोस्पेक्टिव से पहला टाइप हम पढ़ चुके हैं ओवरलैपिंग वाला तो वहाँ पर आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है याद रखना है कि पहले क्वेश्चन में आपको चेक करना पड़ेगा कि ओवरलैपिंग हो रही है या नहीं हो रही है उसके बाद मैंने बता दिया दोनों का फॉर्मूला नंबर ऑफ पर्सन के लिए सेम है बस ओवरलैपिंग वाले केस में माइनस टू करना पड़ता है क्योंकि डबल बार काउंटिंग हो जाती है इंटरचेंज वाले कॉन्सेप्ट को अभी आप समझेंगे तो पहले हम इसे क्लियर करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि पी और क्यू की पोजीशन हमें बता दी गई है टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें नहीं पता और जब पोजीशन को चेंज किया जाता है तो ए की जो पोजीशन है वो थर्टी फर्स्ट आती है तो पहले डायग्राम को ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा हो गया डायग्राम यहाँ से हमें पी की पोजिशन बतानी है कितनी एटीनथ है तो मान लेते हैं पी की पोजिशन यहाँ पर कहीं होगी एटीनथ एटीन पोजिशन पे है पी ठीक है और क्योंकि पोजिशन हमें कितनी बताई गई है ट्वेंटी फोर्थ तो मान लेते हैं क्योंकि पोजिशन यहाँ पे कहीं होगी और ये हो जाएगा ट्वेंटी फोर्थ पोजिशन पे क्यू ठीक है यहाँ पे भी ओवरलैपिंग वाला केस आप चेक कर सकते थे पर तब जब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन होता तो वो हमें नहीं गिवन है तो हम यही मानेंगे कि दोनों की पोजिशन अलग अलग है ठीक है तो यहाँ पे पी की पोजीशन हो गई और ट्वेंटी फोर्थ हमें क्यू की पोजीशन मिल गई इसके बाद हमें कहा गया दोनों ने क्या कर लिया अपनी सीट को इंटरचेंज कर लिया तो जब सीट इंटरचेंज किया तो यानी कि पी की जगह पर अब पी जो था ये कहाँ पर आ गया क्यू की जगह पर और क्यू कहाँ चला गया पी की जगह पर ठीक है तो यहाँ पर अब आ चुका है पी और यहाँ पर आ चुका है क्यू पी की पोजिशन यहाँ आने के बाद कितनी हो चुकी है थर्टी फर्स्ट ठीक है और क्योंकि पोजीशन हमें नहीं पता ये हमें काउ कैलकुलेट का, करनी है पहले वाले क्वेश्चन में ठीक है टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी काउंट करना है बताना है और नंबर ऑफ अ पर्सन बिटवीन पी और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये भी हमें बताना है ठीक है तो तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें और तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं तो ये तो आपने देख लिया कि पी की इतना जो अब तक हमने ड्रॉ किया इतनी बातें हमें क्वेश्चन के अंदर बताई गई थी अब यहाँ से हम मूव करेंगे जो हमें खुद कैलकुलेट करना है तो अब जैसे थर्टी फर्स्ट पोजिशन अगर हमें यहाँ से पी की बताई गई है तो खुद का कंक्लूजन ड्राइव करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ फिर यहाँ से ड्राइव हो रही है अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो कितने लोग होंगे अगर पी की पोजिशन यहाँ थर्टी फर्स्ट है दैट मीन्स इससे पहले थर्टी परसेंट क्या होंगे यहाँ पे पहले बैठे होंगे पी से ठीक है और आप देखेंगे क्यू की पोजिशन यहाँ ट्वेंटी फोर्थ बताई गई है दैट मीन्स क्यू से पहले यहाँ से पहले कितने लोग बैठे हैं ट्वेंटी थ्री परसेंट बैठे होंगे दैट मीन्स यहाँ से भी अगर आप काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी ट्वेंटी थ्री तो सेम ही रहेगा यहाँ पर ट्वेंटी थ्री परसेंट बैठे हुए हैं और पी एक और भी है जो यहाँ पे बैठा हुआ है तो पी की पोजीशन एक यहाँ पर ये यह भी काउंट करनी है तो यानी कि आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन तो आप इजिली काउंट कर पाएंगे यहाँ पर कैसे तो समझते पहले इसको टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन आप अगर काउंट करेंगे तो आप देखेंगे पी से पहले कितने लोग बैठे हैं थर्टी परसेंट बैठे हैं ठीक है प्लस में पी खुद भी यहाँ पर सिटेड है तो पी आ जाएगा एक पर्सन यहाँ पर और हो गया और पी के बाद कितने लोग बैठे हैं ट्वेंटी थ्री पर्सन बैठे हैं तो टोटल तो तो नंबर ऑफ़ पर्सन तो आप आसानी से निकाल लेंगे इसे निकालने का तरीका क्या हो गया अब इसे आप प्लस कर दीजिए तो ये आएगा थ्री प्लस फोर और फाइव यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन कितने हो गए फिफ्टी फोर तो सेकेंड वाला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया ये तो हुआ हमने कॉन्सेप्ट के तरीके से कर लिया अगर आप इसी का फार्मूला समझना चाहेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसको देख लेते हैं फॉर्मूले के लिए आपको लोग क्या करना है पी की जो नई पोजीशन पता चली है अगर टोटल नंबर ऑफ बताना है पर्सन के बारे में तो पी की पोजीशन अब कितनी हो चुकी है थर्टी फर्स्ट तो पहले इसे लिखेंगे थर्टी फर्स्ट प्लस में और यहाँ से क्यू की पोजीशन कितनी थी ट्वेंटी फोर्थ तो इसको ऐड करेंगे और माइनस वन करेंगे अब माइनस वन क्यों किया क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से अगर आप पी की पोजिशन बता रहे हैं दैट मीन्स पी को भी आप काउंट कर रहे हैं ठीक है तो पी की काउंटिंग तो एक बार हुई और आप यहीं से आप किसकी पोजीशन बता रहे हैं क्यू की तो क्यू भी तो इसी जगह पे बैठा था इसका मतलब इसी पोजीशन को ये जो जगह है इसको आपने दो बार काउंट कर लिया एक बार पी के तरफ से देखा तब और आपने जब क्यू के प्रोस्पेक्टिव से चीज़ें देखी तब भी तो दोनों ही केस में आपने यहाँ पर दो बार क्या है इस पोजिशन को काउंट कर लिया तो इसी हम एक बार माइनस कर देते क्योंकि हमें काउंट तो एक ही बार करना है ठीक है अब आप इसे प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फिफ्टी फाइव माइनस वन देट इज़ फिफ्टी फोर तो आई होप ये आपको समझ में आएगा कि टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो जो भी आप याद रख पाए या जो भी आपकी हैबिट में बन जाए ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है अब ये तो हमने कर लिया फर्स्ट अब हमें क्या बतानी थी क्योंकि पोजिशन तो अब बताते हैं हम क्योंकि पोजिशन अब क्योंकि पोजिशन बताने के लिए भी आपको ध्यान रखना है क्या चीज़ तो क्योंकि पोजिशन बताने के लिए आप देखेंगे कि क्यों अब यहाँ से इस वाली पोजिशन पर आ चुका है और अगर पहले वाले पी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने लोग बैठे थे सेवनटीन परसेंट थे जो क्या थे पी से पहले बैठे हुए थे तो यहाँ पर भी क्या है अब यहाँ पे सीधा आपको पता है कि पी यहाँ पर बैठा हुआ है दैट मीन्स पी की पोजीशन भी क्या हो जाएगी आगे से आप देखेंगे तो एटीन थी हो जाएगी दैट मीन्स सेवनटीन परसेंट पी के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ से बैठे हुए हैं तो इसको लेस करते हैं तो अगर आप निकालेंगे पी की पोजीशन पोजिशन ऑफ क्यू तो इसे निकालने के लिए क्या करना है टोटल जो हमारे पास पोजिशन है पर्सन है उसमें से हम माइनस कर देंगे किसकी पोजिशन जो हमें यहाँ पर पता चली है वो है पोजिशन ऑफ क्यू की मतलब आप पी की ले लीजिए क्योंकि पहले वाली पोजिशन ये पी की है हमें पता है तो पी की पोजिशन कितनी है एटीनथ है तो आप यही मान के चलिए कि पोजिशन हम यहाँ पे पी की माइनस करेंगे पहले वाली पोजिशन ठीक है ओल्ड वाली को और फिर क्या करना है हमें प्लस वन करना है क्यों करना है प्लस वन ये भी बात करते हैं तो पहले इसको पुट करते हैं टोटल कितने थे हमारे पास फिफ्टी फोर परसेंट थे माइनस पी की पोजीशन पुराने वाले कितनी थी तो ये हमने देखी इसकी पुरानी पोजीशन जो थी वो थी 18th प्लस में वन किया है ठीक है इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये फिफ्टी फोर में से आप इसको माइनस करेंगे और प्लस वन करेंगे तो ये आ जाएगा थर्टी सेवन तो यानी कि जो Q की पोजीशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी थर्टी सेवन हो जाएगी कहाँ से राइट right साइड से क्योंकि हमें पीछे के डायरेक्शन से ही बताना था राइट right साइड से हमसे राइट साइड से, right से पूछा गया कि राइट right साइड से इसकी पोजीशन क्या होगी तो राइट right साइड से इसकी पोजीशन आप देखेंगे यहाँ से हमें इसकी पोजिशन बतानी है और अब देखिए डाइग्राम पर आते हैं ये था हमारा डायग्राम तो आपने देखा पी की पोजीशन यहाँ से कितनी थी एटीन थी दैट मीन्स पी से पहले कितने लोग बैठे थे सेवनटीन परसेंट यहाँ पर बैठे थे और आप कहाँ से बता रहे हैं पी की पोजीशन क्यू की पोजीशन अब यहाँ पे कौन है क्यू इस पोजीशन पे आ चुका है, है ना तो अभी भी सेम सिचुएशन है कि क्यू से पहले कितने लोग बैठे हैं सेवनटीन अगर हम आगे से बात करें तो यानी कि लेफ़्ट साइड से बात कर रहे हैं तो और इसी की पोजीशन हमें पीछे की डायरेक्शन से बतानी है दैट मीन्स राइट साइड से बतानी है तो राइट right साइड से इसकी डायरेक्शन जब आप बताएंगे आपने जब स्टार्टिंग से डायरेक्शन बताई तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्यू को काउंट करके ही बात करी है एटीथ पोजीशन पे ठीक है और अगर आप इसकी डायरेक्शन राइट साइड से भी बताएंगे तो भी इसको काउंट करेंगे ना तो इसका मतलब यहाँ पर क्यू की डबल काउंटिंग हो जाती है तो ठीक है तो डबल काउंटिंग आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आपको दोनों चीज़ बतानी है यहाँ पर ठीक है तो डबल काउंटिंग करने के लिए मुझे एक बार प्लस वन करना पड़ जाएगा क्योंकि हमने सिर्फ एक बार इसकी पोजिशन को क्या, है? क्या है? किया है काउंट किया है ठीक है तो इसलिए हम प्लस वन लगाते हैं सिंपल सा तरीका है कि आप अगर एक ही पर्सन की जो हमें पोजीशन बताई जा रही है वो दोनों डायरेक्शन से बताई जा रही है लेफ्ट से भी और राइट से भी तो वो दो बार काउंट हो जाता है उसी क्वेश्चन के अंदर ठीक है यानी कि उसकी पोजीशन डबल बार काउंट हो जाती है तो हम जब काउंट करके बताते हैं तो वो डबल बार काउंटिंग ही आनी चाहिए जबकि इस वाले केस में हमारी एक ही बार काउंटिंग बन रही थी ठीक है क्योंकि हमने 18 माइनस कर दिया था तो बाकी जो रिमेनिंग बचे थे सिर्फ वो बचे थे ना तो प्लस वन करेंगे तब तो हम इस वाली पोजिशन पर आएंगे क्योंकि हमने ये वाली पोजिशन को भी माइनस कर दिया यहाँ से ठीक है तो आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी तो इसलिए बस यहाँ पर प्लस वन किया गया ठीक है तो ये था हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन का तो इसको हमने सॉल्व कर लिया फर्स्ट पार्ट भी हम सॉल्व कर चुके हैं सेकंड पार्ट भी हम सॉल्व कर चुके हैं नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन पी और क्यू तो बताना है पी और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं सेटेड हैं तो पी और क्यू के बीच में अगर हमें बताना है तो पहले हमें पता चल पता होना चाहिए ना कि दोनों के डायरेक्शन को मिला के कितने लोग हुए टोटल तो आप देखेंगे कि टोटल हमारे पास फिफ्टी फोर परसेंट थे इसमें से माइनस करेंगे हम पी की पोजीशन और प्लस में पोजीशन ऑफ क्यू दोनों की पोजीशन को माइनस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कितने लोग हैं जिसकी पोजीशन अभी तक हम बता नहीं पाए ठीक है इनके बीच में कितने का गैप है तो पी की पोजीशन कितनी थी एटीन थी पुरानी और इसकी कितनी थी ट्वेंटी फोर थी ठीक है माइनस में फिफ्टी फोर है आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास फोर्टी टू माइनस में ये हो जाएगा फिफ्टी फोर तो कितने बच गए यहाँ पे ट्वेल्व यानी कि पी और क्यू के बीच में टोटल कितने परसेंट है ट्वेल्व पर्सन है क्योंकि दोनों की पोजीशन मिला के पी से पहले कितने लोग बैठे थे हमें पता चल चुका है पी की जो पोजीशन है एटीनथ है दैट मीन्स इससे पहले सेवेंटीन लोग और पी को खुद मिला के एटीन परसेंट थे और क्यू की पोजिशन हमने देखी थी यहाँ कहीं पर थी कितनी थी ट्वेंटी तो क्यू को मिला के क्यू से पहले कितने लोग बैठे थे ट्वेंटी और Q को खुद जोड़ लेंगे तो 24 तो इतना हमें पता चल गया तो जो लोग नहीं बैठे हैं यहाँ पर अभी काउंट नहीं हुए दैट मीन्स वो इन दोनों के बीच में कहीं पर है P और Q के तो P और Q के बीच में कितने लोग आ रहे हैं ट्वेल्व परसेंट ठीक है तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा कि हमने देख लिया यहाँ पे आपने देख लिया यहाँ पर इंटरचेंज वाले केस में कितने मैक्सिमम आपसे यही तीन कैटेगरी पूछी जा सकती है तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पोजीशन बता दो क्यों की राइट right साइड से या फिर टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ लिया जाएगा या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा पी और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं ठीक है तो आई होप कि ये बी वाला केस आपको क्लेरिफाई हुआ अभी हम इन सारे क्वेश्चन को अभी प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन उठाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे ठीक है तो आगे मूव करेंगे अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है इन आ रो ऑफ पर्सन पोजिशन ऑफ पी फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ आ रो इज़ नाइन्थ तो यहाँ पर हमें क्या है बताया गया है कि पी की जो पोजिशन है लेफ्ट साइड से कितनी है नाइन्थ है और पोजिशन ऑफ क्यू फ्राम आर राइट साइड क्यू की पोजिशन बताई गई है राइट right साइड से कितनी है एट्थ है सी इज़ सेटिंग जस्ट इन मिडल ऑफ पी और क्यू और जो सी की जो सेटिंग है वो कहाँ पर है जस्ट मिडल में है किसके पी और क्यू के, के बीच में बैठा हुआ है पोजिशन ऑफ सी फ्राम आर लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज़ फिफ्टींथ और सी की जो पोजिशन है कहाँ से लेफ्ट साइड से कितनी है 15 है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो तो हमें क्या बताना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं रो के अंदर ठीक है तो जैसा पहले हमें बताया गया है पहले हम उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हम करेंगे सॉल्यूशन तो पहले हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं अब यहाँ पे हमें पी की पोजीशन पता है लेफ्ट साइड से कितनी है नाइन्थ तो है तो लेफ्ट साइड दैट मीन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पी बैठा होगा थ पोजीशन पे P और ये कहाँ पर है नाइन्थ पोजीशन पे फिर आगे हमें कहा गया है पोजीशन ऑफ Q फ्रॉम अ राइट साइड राइट साइड से जो Q की पोजीशन है वो कितनी है वो है तो मान लेते हैं Q कहाँ पर है यहाँ कहीं पर होगा इसकी पोजीशन कितनी है एट्थ है फ्रॉम राइट साइड ये राइट right साइड से और ये लेफ्ट साइड से ठीक है आप क्या कहा गया क्वेश्चन में सी इज सिटिंग जस्ट इन द मिडिल ऑफ पी और क्यू पी और क्यू के जस्ट बीच में कौन बैठा हुआ है सी तो मान लेते हैं सी यहाँ पे कहीं बैठा हुआ है फ्रॉम द लेफ्ट साइड और वो भी कहाँ से लेफ्ट साइड से हमें बताया गया इसकी जो पोजिशन है वो कितनी है फिफ्टीनथ है दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप इसकी पोजिशन चेक करेंगे तो ये कितनी आ रही है फिफ्टीन आ रही है ठीक है अब क्या कहा गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन रो तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन कितने हुए तो क्या तरीका है देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए हमें पी और क्यू की पोजिशन को तो ऐड करना पड़ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि क्यू से पहले कितने लोग हैं और पी के बाद हैं पर यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे गए हुए हैं तो यहाँ से पहले चेक करते हैं अब आप देखेंगे कि पी और क्यू हमें ये पता है कि जो सी है वो पी और क्यू के बिल्कुल मिड में बैठा हुआ है दैट मीन्स पी से लेके सी तक का जो गैप होगा वो इक्वल होगा किसके सी से लेके क्यू तक के गैप के बराबर होगा दैट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पीसी बराबर में सी क्यू हो जाएगा इनका जो गैप हो जाएगा वो एक दूसरे के बराबर होगा तो यहाँ से हम आराम से इस गैप को कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है पी की पोजीशन नाइन्थ है दैट मीन्स वो यहाँ कहीं पे है और इसकी पोजिशन कितनी फिफ्टीन है आप इनके बीच का गैप देखेंगे तो कितना आ जाएगा इनके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं तो इनके बीच में हो जाएंगे फाइव परसेंट क्योंकि सी तो खुद आ गया ना सिक्सटीन में तो सी को तो हम साइड रखेंगे कि सी ये एक पर्सन हो गया इससे पहले कितने लोग हैं पांच यानी कि इनके बीच में कितने लोग हैं पांच इसका मतलब सी से लेके क्यू के बीच में भी कितने लोग होंगे पांच लोग होंगे ठीक है हो गई या नहीं होंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर भी पांच और यहाँ पर भी पांच और एक पी सी को भी मिला लेंगे तो यानी कि टोटल मिला के पी से लेके क्यू के बीच में छः दस और एक ग्यारह टोटल मिला के एलेवन पर्सन हो जाएंगे जो इनके बीच में है ठीक है तो पी से लेके सी तक का डिस्टेंस जैसे मैंने बात किया तो ये पाँच हो गया और यहाँ से देखेंगे आप पाँच यानी कि दोनों के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं पाँच पाँच ठीक है अब निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन टो, टोटल नंबर ऑफ़ पोजिशन पर्सन निकालने के लिए क्या करना है पहले हम पी की रैंक को देखते हैं तो पी की रैंक आप अगर देखेंगे तो यहाँ से कितनी थी नाइन्थ है ठीक है तो नाइन्थ हो जाएगी प्लस में पाँच लोग यहाँ पर हैं पाँच ये हो जाएंगे प्लस में एक सी की पोजीशन को देखेंगे तो सी की पोजीशन ये रही वन और इसके बाद सी से लेके क्यू के बीच में भी फाइव परसेंट है फाइव ई हो जाएंगे प्लस में इसके बाद कितने लोग हैं तो क्यू की पोजिशन को मिला के आठ परसेंट यहाँ पर हो जाएंगे इनको अगर हम काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा टेन ट्वेंटी ट्वेंटी एट टोटल मिला के कितने लोग होंगे ट्वेंटी एट परसेंट है जो इस पूरे रॉ में क्या है सिटेड है तो आई होप ये भी क्या होगा आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा ठीक है तो ये भी क्या था एक टाइप था इसका जो हमने यहाँ पर किया तो आई होप यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं होगा ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा अगर कोई डाउट नहीं है तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये सिर्फ आपका बेसिक क्लियर करने के लिए आप यहाँ से ये समझ पाएंगे कि, कि कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन रैंकिंग में बन सकते हैं या पूछे जाते हैं ठीक है तो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ़ पोजिशन ऑफ पी फ्रॉम अ लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज फिफ्टीन तो हमें पी की पोजिशन बता रखी है लेफ्ट साइड से कितनी है फिफ्टीन एंड पोजिशन ऑफ क्यू क्यू की पोजिशन बता रखी है राइट right साइड से कितनी है नाइन्टीन एंड ओनली टू पर्सन इज़ सिटिंग इन मिडल ऑफ पी और क्यू और सिर्फ दो लोग हैं जो पी और क्यू के बीच में बैठे हैं तो हमसे पूछा गया फाइंड द मिनिमम नंबर एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पर्सन दैट कैन बी सिटेड इन द इन दिस रो तो हमसे मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर पूछा गया है कि कितने लोग बैठ सकते हैं उन्हें हम अरेंज कर सकते हैं किस तरीके से कि एक बार उनका नंबर मैक्सिमम हो जाए उससे ज़्यादा लोग ना बैठ पाए और एक बार मिनिमम में अगर हमें उनकी सीटिंग अरेंजमेंट करनी हो तो कैसा होगा तो स्टूडेंट्स अगर आपने लेक्चर को ध्यान से देखा तो मैंने अभी कुछ देर पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया था कि जो रैंकिंग के प्रोस्पेक्टिव से एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिसमें हमने सबसे पहले बात करी थी ओवरलैपिंग वाला जो केस था सेकेंड केस हमने बात करी थी जहाँ पे हमने देखा था कि इंटरचेंज हो जाता है अपनी पोजीशन दो लोग हैं तो दोनों अपनी पोजीशन को क्या कर रहे थे इंटरचेंज कर रहे थे वो वाला और तीसरा कैटेगरी मैंने आपको यही बताया था मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर तो तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इन्हीं तीन कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को पूछा जाता है वो ये है ठीक है तो शुरू करेंगे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर में अगर हमें अरेंज करना होता है तो कैसे करना है मिनिमम नंबर में अरेंज करना होता है तो कैसे करना होता है तो शुरू करते हैं जैसा पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया हम उस तरीके से अरेंज करेंगे तो पहले ड्रॉ करते हैं अब हमें यहाँ पे पी की पोजीशन बता रखी है लेफ्ट साइड से कितनी है फिफ्टीन तो पी की पोजीशन अब ये लेफ्ट साइड से है, तो इस तरफ को ही मूव करेगा तो फिफ्टीन पे मान लेते हैं कि इसकी पोजीशन फिफ्टीन पे इस पॉइंट पे कहीं पर आ रही है कौन है ये पी है और क्यू की पोजिशन नाइनटीन है राइट साइड से तो यहाँ पर हमें यहाँ पर भी आप चाहें तो ओवरलैपिंग का केस चेक करते हैं पर यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स नहीं है या टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन नहीं है रो के अंदर तो हम नहीं चेक करेंगे हम यही मानेंगे कि इसके बाद ही कहीं पे क्यों यहीं पे कहीं लाई कर रहा होगा ठीक है तो क्यों मान लिया हमने कि यहाँ पर है नाइनटीन पोजिशन ठीक है अब क्या बोला गया सिर्फ दो पर्सन हैं जो कि पी और क्यू के बीच में बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये जो एरिया हमारे पास खाली दिख रहा है पीछे देखिए के, के बीच में यहाँ पे सिर्फ दो पर्सन है एक पर्सन मान लेते हैं ये रहा और एक पर्सन ये रहा दो पर्सन हो गए ठीक है अब हमें बताना है मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर तो पहले इसमें काउंट करते हैं कि टोटल कितने पर्सनस हुए यहाँ पर अब अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक फ़िफ्टीन ये हो गए लोग फिफ्टीन पर्सन और इनके बीच में कितने हो गए सिर्फ दो पर्सन है तो दो लोग यहाँ हो जाएंगे और यहाँ से अगर आप यहाँ तक पूरा जाएंगे तो नाइन्टीन पर्सेंस ये हो जाएंगे अगर आप इस पूरे को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा थर्टी सिक्स तो यानी कि इस वाले सिटिंग अरेंजमेंट में टोटल थर्टी सिक्स लोग हैं जो बैठे हैं ठीक है दूसरा भी देखते हैं फिर आप खुद ही समझेंगे कि मैक्सिमम कैसे हुआ और मिनिमम कैसे हुआ सेकेंड कैटेगरी में भी सेम हमें डायग्राम को ड्रॉ करना है तो ड्रॉ करते हैं पी की पोजीशन हमें बता रखी है फिफ्टीन है तो फिफ्टीन हम मान लेते हैं यहाँ से इस पॉइंट पे कहीं आ रहा होगा फिफ्टीन ठीक है और हमें Q की पोजीशन बतानी है P यहाँ से गया था तो इस डायरेक्शन में मूव किया और Q इस तरफ से आ रहा है तो राइट की साइड से हम काउंट करेंगे अब नाइनटीन है अगर हम इसको पहले ही कहीं ड्रॉ कर देंगे जैसे कि इससे पहले वाले डायग्राम में हमने किया है तो फिर दोनों सेम ही हो जाएगा तो हम इस वाले केस में क्या मान के चलते हैं कि यहाँ ओवरलैपिंग वाला सीन है इसका मतलब क्या है कि क्रॉस करके क्यू इधर बैठा हुआ है कितनी पोजीशन है इसकी नाइनटीन और ये पी है ठीक है और हमें ये भी बता दिया गया है कि दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं तो दो लोग तो यहाँ पे एक और एक दो दो पर्सन हो गए अब इसकी काउंटिंग करते हैं काउंटिंग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक नाइनटीन लोग थे हमें इतना पता है यहाँ से यहाँ तक कितने हैं फिफ्टीन है अब जब इसमें आप काउंट करने जाएंगे टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन तो यहाँ पर भी सेम चीज़ रहेगी पहले यहाँ से यहाँ तक फ़िफ्टीन है फिर यहाँ से यहाँ तक कितने हो जाएंगे नाइन्टीन और आप यहाँ पर देखेंगे करते हैं हम फिफ्टीन प्लस में 19 तो इसका मतलब आपने ये पूरा काउंट कर लिया कि पंद्रह से लेके एक से लेके 15 फिफ्टीन तक यहाँ थे और फिफ्टीन से लेके 19 नाइनटीन तक यहाँ पर गए अब इसमें आप देखेंगे तो ये जो दो पर्सन हम काउंट करेंगे क्या यहाँ पे ऐड करेंगे नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये दो पर्सन जिन्हें हम काउंट कर रहे हैं वो ऑलरेडी फिफ्टीन तक जो हमने काउंटिंग करी उसमें काउंट हो चुके हैं और इसके बाद जब हमने क्यू वाले काउंटिंग को करा ना तो भी ये काउंट हो चुके हैं दैट मीन्स ये डबल बार काउंट हो रहे हैं जबकि होने सिर्फ एक बार चाहिए थे तो हम ये वाला टू माइनस करेंगे ठीक है इसके अलावा एक चीज़ और भी है क्या अब आप देखेंगे P की पोजीशन यहाँ से भी काउंट हुई थी जब हमने यहाँ से Q की पोजीशन को काउंट किया तब भी आप देखेंगे कि हमने P को भी काउंट कर लिया था और जब हमने यहाँ से P की पोजीशन को काउंट किया था तो हमने Q की पोजीशन को भी काउंट कर लिया था तो इसका मतलब डबल काउंटिंग यहाँ पे इन दोनों की भी हो चुकी है पी और क्यू की तो इनके लिए भी माइनस टू करेंगे ठीक है अब क्या करना है इसको ऐड करेंगे आप इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा फाइव थर्टी फाइव माइनस में ये आप कर देंगे तो माइनस का फोर हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएंगे थर्टी वन थर्टी वन परसन ये ये आएगा थर्टी फोर इसे आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा थर्टी फोर और इसमें से फोर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा थर्टी तो टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर थर्टी अब आप देखेंगे ये वाला केस जब आपने बनाया तो ये किस में चला गया मैक्सिमम में कि आप मैक्सिमम सेटिंग अरेंजमेंट अगर करना चाहते हैं तो थर्टी सिक्स परसेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी और अगर आप मिनिमम में इस कैटेगरी को पूरा करना चाहेंगे तो आपको कितने परसेंट्स की ज़रूरत है थर्टी की ठीक है तो आई होप ये दोनों कैटेगरी आपको समझ में आई होगी जब भी हमें मिनिमम का केस बनाना है ना तो ये ओवरलैपिंग वाली सिचुएशन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि कम से कम लोगों से हमारा ये जो हमें कंडीशन दी गई है या सीरीज दी गई है उसे हम कंप्लीट कर पाए मैक्सिमम वाले केस में आप ऐसे जैसे नॉर्मल सिचुएशन में बनाते थे उसी सिचुएशन में बनाएंगे नो ओवरलैपिंग वाले केस की तरह ठीक है तो आई होप ये दोनों भी सिचुएशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी सो so मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है इन आर रो ऑफ बॉयज आयुष इज नाइनटीन फ्रॉम द स्टार्ट एंड दिफ्टींथ फ्रॉम द एंड ओके इन अनादर रो ऑफ आ बॉयज आसिफ इज फोटीन फ्रॉम द स्टार्ट एंड ट्वेंटी सेकेंड फ्रॉम द एंड हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द बोथ रो टुगेदर अब यहाँ पे हमें दोनों की सिचुएशन बता रखी है आयुब की कि स्टार्टिंग से कौन सी पोजीशन है और एंडिंग से कौन सी है ऐसे ही हमें आसिफ की पोजीशन बता रखी है स्टार्टिंग से और एंडिंग से और हमसे पूछा गया है दोनों रो को मिला के बताना है कि टोटल नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने बैठे हुए हैं तो पहले पहले वाले केस को ड्रॉ करते हैं हमें आयुष के बारे में ड्रॉ करना है तो मान लेते हैं ये है आयुष के लिए तो स्टार्टिंग से स्टार्टिंग से मतलब क्या लेफ़्ट से लेफ्ट से कौन सी सिचुएशन पे है नाइनटीन पे तो यहाँ से मान लेते हैं ड्रॉ करेंगे तो 19 यहाँ पे कहीं होगी और आ, इसके एंडिंग पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो फिफ्टीन तो पर्सन एक ही है आयु इसी की पोजीशन हमें आगे से पता और पीछे से तो यहीं पे आके ड्रॉ हो जाएगी ये तो यहीं पे आके क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा ये कौन सी है फ़िफ्टीनथ पे ठीक है तो नाइनटीन और फिफ्टीन तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कितने हैं यहाँ पे टुगेदर तो पहले इंडिविजुअली अकेले अकेले हम निकालेंगे कि फ़र्स्ट वाले केस में कितने स्टूडेंट है फिर सेकेंड वाले केस में कितने स्टूडेंट है तो आप देखेंगे ये बिल्कुल सिंपल वाला मेथड हो जाएगा जो सबसे फर्स्ट वाले में हमने किया था ठीक है तो दूसरे वाले का भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं या फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितनी है ये इधर से स्टार्टिंग से जो इसकी पोजीशन है वो कितनी है नाइनटीन है और एंडिंग से जो है वो कितनी है फिफ्टीथ है तो दोनों को ऐड करेंगे और क्योंकि इनकी काउंटिंग डबल बार हो जाती है तो माइनस वन करेंगे तो नाइनटीन प्लस में फिफ्टीन और माइनस वन ठीक है तो अब यहाँ पे नाइनटीन हमने प्लस क्यों किया क्योंकि स्टार्टिंग से जो पॉइंट बन रहा था वो कितना था नाइन्टीन था और एंडिंग से आप आएंगे तो कितना हो रहा था फिफ्टीन और क्योंकि आयुष जो है इसे हमने दो बार काउंट किया नाइन्टीन वाला जो हमने टर्म बताया वो भी तो आयुष ही है और फिफ्टीन वाले टर्म पे भी जिसे हमने बिठाया वो कौन है आयुष है तो दो बार काउंटिंग हो रही है जबकि हमें करनी कितनी है एक बार है तो इसलिए हमने यहाँ पे माइनस वन किया अब आप इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा थर्टी फोर माइनस में वन तो टोटल कितने हो जाएंगे थर्टी थ्री पर्सनस हैं इस सीरीज में ठीक है बॉयज़ हैं नेक्स्ट वाले को ड्रॉ करते हैं नेक्स्ट वाले में हमें क्या बताया गया है यहाँ पे हमें आसिफ के बारे में बताया गया है इसकी स्टार्टिंग से जो पोजीशन है इसकी फोर्टीनथ है तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं होगा फोर्टीनथ और जो एंडिंग से इसकी पॉइंट कितनी है ट्वेंटी सेकेंड तो यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे तो ये आ गया ट्वेंटी सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो गया ट्वेंटी सेकेंड और ये हो चुका है फोर्टीन ठीक है अब इसमें टोटल नंबर ऑफ काउंट करेंगे तो सेम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और क्योंकि आसिफ़ को हमने दोनों आ, आगे से भी जब हमने स्टार्टिंग से काउंट किया तो भी काउंट कर लिया है और जब एंडिंग पॉइंट से काउंट किया गया है तो भी काउंट कर लिया गया है इसलिए इसको माइनस वन करेंगे तो यहाँ पे आप करेंगे फोर्टीन प्लस में ट्वेंटी टू माइनस वन आप इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा सिक्स और ये हो जाएगा थ्री थर्टी सिक्स माइनस वन डेट मीन्स थर्टी फाइव और हमसे दोनों का मिला के पूछा गया था कि दोनों रो का मिला के बताओ कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना है दोनों को ऐड कर देंगे थर्टी फाइव प्लस में थर्टी थ्री तो ये हो जाएगा सिक्सटी एट बॉयज़ टोटल जो दोनों रो को मिला के हैं वो है सिक्सटी एट बॉयज़ तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे तो इसमें रैंकिंग में जितने टाइप बन सकते थे वो सब हम कर चुके हैं अब हमें क्या है अब प्रीवियस ईयर की तरफ मूव करेंगे मूव करने से पहले मैं एक बार आपको गो थ्रू करवाना चाहूँगी जितने भी हमने टाइप यहाँ पे देखा सबसे पहले टाइप जो हमने देखी थी वो था सबसे सिंपल कैटेगरी जिसमें हमने देखा था कि हमें एक ही पर्सन की पोजीशन लेफ्ट से या राइट से या आप कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से बता दिया गया था तो हम इस तरीके से डायग्राम को ड्रॉ करते थे दोनों की अगर हमें नंबर ऑफ़ पर्सन बताना है तो दोनों को प्लस करते थे और माइनस वन करते थे क्योंकि जब दोनों की सिचुएशन आप बता रहे हैं दोनों की पोजिशन को काउंट कर रहे हैं तो डबल बार उसी पर्सन को हम क्या कर लेते हैं काउंट कर लेते हैं कैसे कहा मैंने ये जब हमने देखा यहाँ से स्टार्टिंग से अभी इस वाले जो क्वेश्चन अभी हमने जस्ट किया उसमें भी हमने ये चीज़ देखा स्टार्टिंग से आप काउंट कर रहे थे आसिफ को तो भी हमने उसको इंक्लूड कर लिया था जब एंडिंग से काउंट किया तो भी हम उसे इंक्लूड कर लेते हैं तो उस पर्सन की डबल बार काउंटिंग हो जाती है दैट्स वाई हमें माइनस वन करना पड़ता है या फिर दूसरा तरीका ये सिंपल सा है जिसमें आप देखेंगे अगर ये सेवनटीन पोजिशन पर है तो इससे पहले तक जितने लोग बैठे हैं सिक्सटीन हो गए और एक पर्सन ये खुद है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ए तो इसकी पोजीशन को हमने लिखा और नेक्स्ट पे कौन आ गया फिर आगे आप देखेंगे तो सेवनटीन्थ के बाद जो इसकी पोजीशन बताई गई है वो कितनी है ट्वेंटी फोर्थ है राइट से तो अगर इसकी ट्वेंटी फोर्थ पोजिशन है तो इसके बाद कितने लोग बैठे हैं तो ट्वेंटी थ्री परसेंट यहाँ से यहाँ तक में बैठे हुए हैं तो आपने लिख दिया फिर वो ट्वेंटी थ्री और आप इन्हें प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपको कुछ माइनस भी नहीं करना और यहाँ पर भी क्या है आप सही आंसर पर पहुँच जाएंगे जैसे कि यहाँ पर आया था ठीक है तो ये दोनों तरीके थे ये सबसे सिंपल कैटेगरी थी अब आते हैं सेकेंड वाली कैटेगरी पे तो ये फर्स्ट वाली ये है हमारी सेकेंड कैटेगरी इसमें क्या था इसमें हमें पोजीशन बता दी गई थी पी की कहाँ से एक साइड से लेफ़्ट साइड से बता दी गई थी और ये भी बता दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन कितने हैं ये सेम ही क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन बता दिया गया था कि कितने हैं रो के अंदर ठीक है इसके बाद हमें पोजीशन पी की बताई गई थी लेफ़्ट साइड से सिर्फ़ एक साइड से बताई गई थी और दूसरे साइड से इसकी पोजीशन हमसे खुद पूछी गई थी कि राइट साइड से बताइए तो यहाँ पे पहले हमने एक ड्रॉ किया आप देखेंगे ट्वेंटी फाइव परसेंट से तो हमने उनको यहाँ पे शो किया और फिर इसकी पोजीशन जहाँ से हमें पता थी तो स्टार्टिंग से हमें पता थी कौन सी पे है टेंथ पे अगर ये टेंथ पे है दैट मीन्स इससे पहले कितने लोग बैठे हैं नाइन परसेंट इससे पहले बैठे हुए तो हमने ट्वेंटी फाइव में से नाइन माइनस कर दिया तो बचा कितना सिक्सटीन यानी कि इसके पीछे फिफ्टीन लोग बैठे होंगे और सिक्सटीन पर्सन ये खुद है पी अगर आप पीछे से इसकी पोजिशन को काउंट कर रहे हैं तो या फिर दूसरा तरीका है फॉर्मूले के तौर पर आप जाना चाहेंगे तो यहाँ पर ट्वेंटी फाइव है जो टोटल हमारे पास पर्सन बैठे हुए हैं रो में वो हमने लिखा माइनस किया इसमें से टेन टेन क्या है ये पी की पोजीशन है जिस भी एक साइड से आपको बताई जाएगी तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड से बताई गई है तो हमने उसको माइनस किया और प्लस वन किया प्लस वन क्यों किया क्योंकि जब एक ही पर्सन को हम एक ही रो में शो करते हैं स्टार्टिंग से और एंडिंग से तो हमने देखा है हमें डबल काउंटिंग वहाँ करनी पड़ती है तो आप इसकी पोजीशन ही तो बता रहे हैं तो इसको काउंट करके ही बताएंगे दैट्स वाई ये प्लस वन किया गया है यहाँ पर ठीक है तो फिफ्टीन प्लस वन कितना हो गया सिक्सटीन हो गया तो आई होप ये भी आपको समझ में आएगा ये हमारे पास कौन सी थी ये हमारे पास दूसरी कैटेगरी थी इस क्वेश्चन की अब आते हैं मूव करेंगे थर्ड कैटेगरी में थर्ड कैटेगरी में हमने देखा था ओवरलैपिंग वाला केस ओवरलैपिंग का केस कैसे समझ में आता था तो यहाँ पे हमने देखा था इसको आ, पहले हमें चेक करना है कि ओवरलैपिंग है क्वेश्चन में या नहीं है जब भी बिटवीन वाला केस आता है तो ज़्यादातर केस चांसेस होते हैं कि ओवरलैपिंग वाला केस एग्जाम में पूछा जाए तो यहाँ पे आपको क्या करना है जैसे हमें यहाँ पे टीपी गिवन था टोटल जो हमारे पास पर्सनस है अगर उनका सम जितने भी पर्सनस बैठे हैं उनके सम से उनकी पोजीशन से ज़्यादा आता है दैट मीन्स नो ओवरलैपिंग का केस है यहाँ पर डायग्राम आपने देखा ये वाला डायग्राम हो जाता है एक पर्सन यहीं तक आ गया और दूसरा पर्सन कहाँ है यहाँ पर मूव करता है ठीक है जबकि सेकंड वाले केस में ओवरलैपिंग वाले केस में क्रॉस करके जाते हैं आपने देखा पी यहाँ पर चला गया और क्यू जब यहाँ से आए तो यहाँ पर मूव कर गया ठीक है तो ये ओवरलैपिंग वाला केस था किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो हमने तो टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन या आप कहें बिटवीन जो पर्सनस बैठते हैं उनको काउंट करने का तरीका सेम ही था जैसे कि हमने यहाँ पर किया था यहाँ पे आप देखेंगे तो पी की पोजीशन हमें पता है यहाँ तक बैठा है वो ट्वेल्थ पे ठीक है तो इससे पहले कितने लोग बैठे हुए हैं इससे पहले थर्टीन पीपल है और इसके बाद कितने हैं तो इसकी अगर आप देखेंगे क्योंकि पोजीशन ट्वेंटी फर्स्ट बताई गई है तो इसके बाद ट्वेंटी पर्सनस हैं जो इसके पीछे बैठे हुए हैं तो हमसे क्या पूछा गया था कितने लोग पी और क्यू के बीच में काउंट करने का सिंपल तरीका था टोटल जितने हमारे पास परसेंट हैं उसमें से हम इन दोनों की पोजीशन को ऐड करके माइनस कर लेंगे जो बच गए वो हमारे पास क्या हो जाएंगे जो इन बिटवीन होंगे दोनों के तो ट्वेंटी नाइन आया था दैट मीन्स पी से लेके क्यू के बीच में कितने पर्सन सिटिंग है ट्वेंटी नाइन परसेंट ठीक है और अगर ओवरलैपिंग वाला केस होगा तो भी हमें फार्मूला यही यूज़ करना है बट यहाँ पर फिर हम उसके साथ क्या कर देते थे माइनस टू यूज़ करते थे ठीक है माइनस टू क्यों यूज़ करते थे तो ओवरलैपिंग वाला केस ये था जहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो थे वो बाकी जो उनकी पोजीशंस को ऐड करके वो क्या आ रहा था ज़्यादा आ रहा था दैट मीन्स यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही थी एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे गए थे तो यहाँ पर इस वाले केस में भी निकालने का तरीका वही है कि ए से बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं बस यहाँ पर क्या हो जाता है जब हम बात करते हैं यहाँ पर काउंटिंग की तो आप देखेंगे जब हमने ए को काउंट किया था तो भी बी काउंट हो जाता है जब बी को काउंट किया तब भी ए काउंट हो गया तो यानी कि यहाँ पे डबल काउंटिंग हो जाती है उन दो पर्सनस की तो उन दोनों के लिए हमें माइनस टू करना पड़ जाता है बस इतना सा डिफरेंस था दोनों में तो यहाँ पे इसीलिए हमने क्या करा है माइनस टू करा है ठीक है तो माइनस टू हमें यहाँ पे करना पड़ जाता है क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाती है दैट्स वाई तो यहाँ पर बाकी सब सबको सिंपल था आप ये केस अच्छे से समझे होंगे ठीक है पहला केस और बहुत इंपॉर्टेंट केस जो हमने पढ़ा है एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ नेक्स्ट में हमने देखा था इंटरचेंज वाला केस इंटरचेंज में हमने क्या देखा था कि दो पर्सन है पी और क्यू ये अपनी पोजीशन को क्या करते हैं इंटरचेंज कर देते हैं पी क्यू की जगह पे आ जाता है और क्यू पी की जगह पे आ जाता है यहाँ पे हमें बताया गया था कि पी जब क्यू की जगह पर आ जाता है तो इसकी पोजीशन कितनी हो गई थी थर्टी फर्स्ट हो गई थी ठीक है और अब हमसे क्या पूछा जाता है तो ये तीन तरीके के क्वेश्चन है जो इस वाले इंटरचेंज वाले केस में पूछी जाती है नई पोजीशन पूछ ली गई यहाँ पे क्यू की राइट साइड से टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ लिया गया रो के अंदर कितने है? और नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन पी और क्यू कितने सेटिंग है ये हमसे पूछ लिया जाता है ठीक है तो, तो टो, टोटल नंबर निकालने के दो तरीके आप चाहे तो फॉर्मूले का यूज़ करें या फिर सिंपली अगर इसे यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं फॉर्मूले के बेस पे आपने देखा था कि दोनों की जो हमें पोजीशन पता है दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमें पी की जो नई पोजीशन पता थी थर्टी फर्स्ट वो हमने रखा प्लस में हमने ट्वेंटी फोर रखा ट्वेंटी फोर क्या है क्यू की पोजीशन थी पुरानी वाली ठीक है क्योंकि हमने इस वाले एक रो से ही पूरे कैटेगरी को फाइंड करने की कोशिश की है तो यहाँ पे थर्टी फर्स्ट आ गया और इसके बाद कितने लोग बैठे थे तो ट्वेंटी थ्री पीपल थे लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्यू भी था तो उसकी पोजीशन को आप काउंट कर लेंगे तो ट्वेंटी फोर हो जाएगा अब यहाँ पे क्यू डबल काउंट हो जाता है दैट्स वाई हमने यहाँ पे माइनस वन भी किया ठीक है तो ये 55 हो गया टोटल और माइनस वन फिफ्टी पर्सन है जो इस पूरे रो में बैठे हुए हैं और कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर आप इसे समझेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पर्सन बैठे थे इस वाली सिचुएशन में कि हमें ये बताया गया कि पी की पोजीशन कितनी है थर्टी फर्स्ट है तो यहाँ तक में कितने लोग बैठे थे थर्टी फर्स्ट पीपल थे जो इसके साथ बैठे थे थर्टी पीपल क्योंकि थर्टी फर्स्ट में तो पी खुद ही है और इसके बाद कितने लोग थे तो क्यू के अकॉर्डिंग हमने इस चीज़ को देखा क्यू की पोजिशन यहाँ पर अगर इसी पी की पोजिशन भी आप देखेंगे राइट right साइड से तो ये कितनी हो जाएगी ट्वेंटी फोर्थ हो जाएगी दैट मीन्स पी के बाद कितने लोग बैठे हैं ट्वेंटी थ्री परसेंट्स बैठे हैं और एक ये पी खुद है तो बस हमने इन्हें काउंट कर लिया था कि थर्टी परसेंट्स पी के आगे बैठे हुए हैं और एक ये पी खुद है और ट्वेंटी थ्री परसेंट्स इसके बाद बैठे हुए हैं तो इनको आप ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाता है फिफ्टी फोर दैट मीन्स टोटल कितने परसेंट्स हैं यहाँ पर फिफ्टी फोर जो कि हमने फॉर्मूले के तरीके से भी निकाल लिया और सिंपली भी निकाल लिया ठीक है इसके अलावा अगर आप टोटल पर्सन निकाल लेते हैं तो क्यू की पोजीशन निकालना आपके लिए क्या हो जाएगा इजी हो जाएगा तो क्यू की पोजीशन निकालने के लिए क्या किया गया जो हमें टोटल पता था कि टोटल हमारे पास कितने पर्सन सिटिंग हैं उनको रखेंगे माइनस क्या था हमने पी की पोजीशन तो ये पी जो है ये पोजीशन के लिए और ये पी उस पर्सन का नाम है और कौन सी पोजीशन ओल्ड वाली पोजीशन को माइनस कर देते हैं और प्लस वन तो 54 था उसमें से हमने माइनस कर दिया 18 प्लस में वन कर दिया तो हमें पता चल गया कि थर्टी सेवन्थ पोजिशन पे कौन है पी है ठीक है तो ये ये तरीका था निकालने का और फिर इसके बाद हमसे पूछा गया था पी और क्यू के बीच में कितने लोग सेटिंग हैं तो सेटिंग निकालने के लिए हमने क्या किया बिटवीन वाला केस यूज़ किया तो ये बिटवीन के लिए है किसके बीच में पी एंड क्यू के बीच में तो टोटल हमारे पास कितने पर्सन थे 54 फोर पी और क्यू की पोजिशन को मिला के हमने देखा तो फोर्टी आ रहा था ठीक है तो टोटल फोर्टी टू परसेंट थे जो पी और क्यू की पोजीशन को मिलाया जाएगा यानी कि पी से पहले इतने लोग बैठे थे और क्यू के बाद इतने लोग बैठे थे तो हमने दोनों को प्लस करके माइनस किया तो टोटल ऐसे लोग थे यानी कि ट्वेल्व परसेंट जो नहीं हुए वो काउंट नहीं हुए क्यों क्योंकि वो दोनों के बीच में बैठे हुए थे क्योंकि हमने पी से पहले वाले लोगों को काउंट किया और क्यू के बाद वाले को किया लेकिन बीच वाले को तो हमने काउंट ही नहीं किया तो वो बीच वाले कितने होंगे ट्वेल्थ हो गए ठीक है कि पी और क्योंकि बीच में कितने लोग बैठे थे तो 12 परसेंट हो जाएंगे ठीक है तो आई होप ये भी समझ में होगा ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट केस था फिर इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट पे तो नेक्स्ट में आपने देखा था ये एक हमसे क्वेश्चन पूछा गया मिनिमम और मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन इसमें भी आपने देखा कि हमने किस तरीके से चीज़ों को ड्रॉ किया पहला जो नॉर्मल हो गया कि हमने मान लिया ओवरलैपिंग वाला केस नहीं है तो पी को अलग बिठाया गया क्यू को अलग बिठाया गया और इनके बीच में हमने दो पर्सेंट बिठा दिए गए जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया था और काउंट करेंगे तो टोटल कितना आ गया था थर्टी सिक्स परसेंट जो किस पूरे रॉ में से टेल है ठीक है और अगर इन्हीं को मिनिमम वाले कैटेगरी में आप लेके जाएंगे तो हमेशा आपको ओवरलैपिंग क्रिएट करनी पड़ेगी तो यहाँ से हमने पी के केस में देखा तो ये फिफ्टीन होंगे क्योंकि केस में आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा नाइनटीन हो जाएगा ठीक है तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा तो इसे काउंट करने का तरीका क्या था पी की पोजिशन जो हमें पता थी फिफ्टीन वो रखा क्योंकि पोजिशन पता थी वो रखी और माइनस टू क्यों रखा क्योंकि जिन दो पर्सन के बारे में यहाँ बात की गई है वो दो पर्सन जो हमने अलग से यहाँ पे सिट किए बिठाए ये तो पहले ही काउंट हो गए पी की पोजीशन में भी और क्यू की पोजीशन में भी जब आपने पी को काउंट किया तब भी ये दो पर्सन काउंट हुए जब आपने क्यू को काउंट किया तब भी ये दो पर्सन काउंट हुए दैट्स वाई हमें हाँ माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हम एक बार काउंट कर सकते हैं फिर ऐसे ही पी और क्यू के साथ भी हुआ कि पी भी क्या हुआ डबल बार काउंटिंग हुई जब पी को काउंट किया गया तब भी हमने पी को काउंट कर लिया जब क्यू को काउंट किया गया तब भी हमने पी को काउंट कर लिया तो यहाँ पे भी क्या है पी और क्यू की डबल काउंटिंग हो गई इस तरीके से तो इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस टू किया क्योंकि यहाँ पर भी हमें सिर्फ एक बार इन्हें ऐड करना है तो आपने जब इसे प्लस किया तो कितना आ गया थर्टी आ गया तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी एक लास्ट कैटेगरी आपने देखी अभी ये थी हमारे पास तो आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे यहाँ पे आपने देखा ये सिंपल केस था बस दो लोगों के बारे में हमसे पूछ लिया गया तो ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था तो आई होप ये भी समझ में आएगा तो आपने देखा मोटा मोटा तीन से चार से पाँच कैटेगरी में सारे क्वेश्चन क्या हो गए खत्म हो गए तो रैंकिंग पे जो क्वेश्चन बनाए जा सकते वो इन्हीं पाँच कैटेगरी पर क्या है हर बार एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन तो आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ किया जाएगा कई बार दो की जगह तीन पीस तीन पर्सन को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा फोर पर्सन को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा बस इस तरीके से टफनेस को इंक्रीज़ किया जाता है तो अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई तो ये हमारा बेसिक था जो हमने क्लियर किया अब हम मूव करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ और हमने जैसे बात किया था कि 2011 से लेके 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2011 से लेकर 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हम उन सबका कंपाइलेशन यहाँ पे देखेंगे इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रैंकिंग पे आए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ऑर्डर पे आए तो अभी हमने सिर्फ रैंकिंग की बात की है तो 2023 तक में जितने क्वेश्चन रैंकिंग पे आए हैं ग्यारह से लेकर हम सिर्फ उनके बारे में अभी बात करेंगे और जैसे ही हमारा रैंकिंग कंप्लीट होता है फिर इसी सीरीज़ में इसी के साथ ही हम क्या करेंगे ऑर्डर पे भी क्वेश्चन देखेंगे ठीक है तो मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो आप देखेंगे 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है सी सेट एग्ज़ाम में रैंकिंग का क्वेश्चन है पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन में इन अ क्यू मिस्टर एक्स इज़ फोर्टीन फ्रॉम द फ्रंट मिस्टर वाई इज़ सेवनटीन द एंड तो मिस्टर एक्स की हमें पोजिशन बता रखी है फ्रंट से और मिस्टर वाई की पोजिशन हमें बता रखी है सेवनटीन एंडिंग से और क्या बोला गया वाई जेड इज एग्जैक्टली बिटवीन मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई तो आप देखेंगे इस तरीके का केस हम पढ़ चुके हैं कि जेड जो है वो क्या है मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बिल्कुल मिड में बैठे हुए हैं मिस्टर एक्स इज़ आ हेड ऑफ़ मिस्टर वाई जो मिस्टर एक्स है वो क्या है जस्ट सामने है मिस्टर वाई के एंड देयर आर फोर्टी एट पर्सन इन द क्यू और टोटल पर्सन कितने हमें ये भी बताया गया फोर्टी एट हाउ मैनी पर्सनस आर देयर बिटवीन मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड के बीच में कितने पर्सन बैठे गए हैं हमें ये बताना है तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कैसे ये आप देखेंगे कि यहाँ पे भी हमने देखा था P और Q वाला केस था यहाँ पर दो पर्सन सिटेड थे और C इनके बीच में था आप देखेंगे ये सी के मिड में था ठीक है और हमसे यही पूछा गया था कि कितने नंबर ऑफ़ पर्सन बैठे हैं पूरे रॉँव में इसमें पूछा गया था जबकि हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि पी से लेके सी तक में कितने लोग बैठे गए हैं ठीक है तो क्वेश्चन पे आते हैं आप देखेंगे ये केस आप हाँ पढ़ चुके हैं तो जैसा क्वेश्चन में हमें कहा गया पहले हम उसे ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हमें मिस्टर एक्स के बारे में पता है फोर्टीन प्लेस पे है ये और ये फ्रंट साइड से है तो फ्रंट साइड हमारी लेफ्ट वाली साइड है यहाँ से आप काउंट करेंगे फोर्टीन मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं ये बैठे होंगे तो ये हो गई इनकी फोर्टीन पोजीशन कौन है ये मिस्टर एक्स हैं और नेक्स्ट है मिस्टर वाई ये कहाँ है सेवनटीन्थ पोजीशन फ्रॉम एंड तो एंडिंग पॉइंट से मान लेते हैं पोजीशन पे कहीं होगी तो ये आ गए पोजीशन पे कौन है ये मिस्टर वाई फिर क्या कहा गया है वाई जेड इज एग्जैक्टली बिटवीन मिस्टर एक्स एंड वाई मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बिल्कुल मिड में कौन है तो ये है जेड ठीक है हमसे क्या पूछा गया है हमें बताया गया है कि टोटल फोर्टी एट पर्सनस है क्यू के अंदर और हमसे पूछा गया है कि कितने लोग बैठे हैं मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड के बीच में यानी कि इस वाले प्लेस पे यहाँ से लेके कर यहाँ तक में कितने पर्सन सिटेड है हमसे ये पूछा गया है कैसे फाइंड करेंगे पहले फाइंड करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन हमें पता है तो टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन लिखेंगे हम फोर्टी माइनस करते हैं हमें एक्स और वाई की जो पोजिशन पता है मिस्टर एक्स जो है उनसे पहले कितने लोग बैठे हुए हैं तो आप देखेंगे थर्टीन परसेंट इनसे पहले बैठे हुए हैं और एक मिस्टर एक्स को मिला के फोर्टीन हो गए तो इनकी पोजीशन को माइनस करते हैं तो माइनस करेंगे फोर्टीन और आप देखेंगे जेड मिस्टर जेड मिस्टर एक्स को सॉरी मिस्टर वाई को आप देखेंगे तो ये कौन सी पोजिशन पर है सेवनटीन पोजिशन पे है 17th तो इनके बाद कितने लोग हैं सिक्सटीन परसेंट हैं और एक मिस्टर वाई को मिला के सेवेंटीन हो गए तो प्लस में 17 करेंगे ऐसे करने से क्या होगा ऐसे करने से हमें पता चल जाएगा कि 48 में से कितने लोग हैं जिनकी पोजीशन हमें पता नहीं चली दैट मीन्स वो लोग कहाँ पर हैं एक्स से लेके जेड के बीच में बैठे हुए हैं तो आप इन्हें माइनस करेंगे तो ये आएगा वन थर्टी वन माइनस कर देंगे हम इसको 48 में से तो आप इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 17 परसेंट तो टोटल कितने होंगे 17 परसेंट हो चुके हैं अब आप 17 में से एक परसेंट तो जेड खुद होंगे तो यानी कि अगर आप इसको तोड़ेंगे तो जैसे ये 17 परसेंट हमारे पास आ रहे हैं इसमें से इनके बीच में तो सिर्फ 16 परसेंट बैठे होंगे और एक परसेंट तो ये जो जेड हैं ये खुद ही हैं तो सेवनटीन में से एक पर्सन ये खुद हो गया दैट मीन्स टोटल कितने लोग हैं सिक्सटीन परसेंट और सिक्सटीन को आप देखेंगे तो हमें बताया गया है कि z बिल्कुल मिड में है दैट मीन्स x और z के बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा y और z के बीच के डिस्टेंस के बराबर तो सोलह को आप अगर डिवाइड करेंगे हाफ करेंगे तो यह आ जाएगा एट दैट मीन्स एक्स से लेकर जेड के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं हैंट परसेंट और ऐसे ही आप इसको भी देखेंगे तो कितने परसेंट होंगे एट परसेंट और Z ये खुद एक पर्सन हो गए तो आप इन्हें पूरा काउंट करेंगे देखेंगे आप 17 आ जाएगा 8 और 8 कितना हो जाता है 16 और प्लस वन सेवेंटीन और ये 1 किसके लिए है Z के लिए है और ये 8 किसके लिए है? X से लेके Z के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं उनके लिए ऐसे ही Z से लेके Y के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं वो तो हमसे क्या पूछा गया था मिस्टर एक्स से लेके मिस्टर जेड के बीच में कितने पर्सन हैं तो ये कितने हैं एट पर्सन देट मीन्स ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा कि क्वेश्चन आपने देखा क्वेश्चन ईजी था ठीक है बस थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत थी बाकी सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है सीसीएट एग्जाम में वो भी कौन सा है रैंकिंग के ऊपर बेस्ड है पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स बॉयज इज रैंक 20 तो यहाँ पे बताया गया है टोटल कितने स्टूडेंट्स है फोर्टी फाइव स्टूडेंट्स हैं जिसमें से बॉय का रैंक कितना है ट्वेंटी वैन टू बॉयज़ ज्वाइन हिज रैंक व ड्रॉप्ड बाय वन और अगर दो बॉयज़ और इंक्लूड हो जाते हैं इस क्लास के अंदर तो जो बॉयज़ का रैंक होता है वो क्या हो जाता है ड्रॉप्ट हो जाता है एक कम हो जाता है वट इज़ हिज न्यू रैंक ऑफ द एंड तो बताना है कि एंडिंग पॉइंट से इसका रैंक कितना हो जाएगा तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि टोटल हमारे पास कितने परसेंट है फोर्टी फाइव परसेंट है तो इसको रखते हैं और कितने और ज्वाइन हुए टू परसेंट ज्वाइन हुए दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा फोर्टी सेवन हो जाएगा है ना और हमें इनकी रैंक पता है कितनी है ट्वेंटी है तो ट्वेंटी रैंक को आप माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग बच जाएंगे वो यानी कि एंडिंग पॉइंट से होंगे तो इसको माइनस करते हो तो ये कितना आ जाएगा आप इसको लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ट्वेंटी सेवन्थ डैट मीन्स कि आप अगर इसकी एंडिंग से पूछेंगे इनका रैंक नया रैंक जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन्थ हो जाएगा ठीक है तो काफी इजी क्वेश्चन था तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी ट्वेंटी सेवन्थ ठीक है मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और बहुत इजी भी है आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ये सी सेट एग्जाम में पूछा गया दो हजार में और सी एग्जाम में भी आया है ये क्वेश्चन ठीक है तो स्टूडेंट्स मेरा सजेशन भी है कि आप वीडियो को पहले पॉज करके खुद क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें तो शुरू करते हैं क्वेश्चन में हमें गिवन है इन अ क्लास ऑफ सिक्सटी स्टूडेंट्स एक क्लास है जिसमें जो पूरा टोटल स्टूडेंट्स है वो कितने हैं सिक्सटीन द गर्ल्स आर ट्वाइस द बॉय और जो नंबर है गर्ल्स का वो कितना है ट्वाइस है किससे बॉयज़ के कंपेरिजन में कमल इज़ बॉय रैंक सेवेंटीन फ्रॉम द टॉप और यहाँ पे कमल एक लड़का है जिसकी रैंक हमें बताई गई है सेवनटीन्थ है कहाँ से टॉप से दैट मीन्स यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो कैसा वर्टिकल है वर्टिकली है इफ़ दे आर आर नाइन गर्ल्स आ हेड ऑफ़ कमल और सेवनटीन्थ रैंक किसकी है कमल की और हमें बताया गया कि 70, उपर, है कि सेवनटीन्थ रैंक में यानी कि सेवनटी इससे पहले ऊपर जितनी गर्ल्स बैठी हैं उनमें से नाइन गर्ल्स क्या है कमल के पहले बैठी हुई हैं ऑफ़ द कमल द नंबर ऑफ अ बॉयज़ इन रैंक आफ्टर हीम तो बताना है कि टोटल कितने बॉयज हैं जो कमल के बाद बैठे हुए हैं उनके बाद उनका रैंक आता है तो देखते हैं जैसा हमें डाइग्राम में ड्रा कहा गया पहले उसको ड्रॉ करते हैं मान लेते हैं इस तरीके की सेटिंग है और कमल का रैंक हमें बताया गया है कितना है सेवनटीन तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं क्या होगा कमल बैठा होगा बल्कि और कम पे ही होगा दोबारा ड्रॉ करते एक सेकेंड तो कमल का रैंक कितना है सेवनटीन है तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे कहीं क्या होगा कमल होगा सेवनटीन और ये है कौन कमल ठीक है अब क्या कहा गया हमें इसके अलावा सेकंड चीज़ हमें ये बताई गई है कि जो कमल है उससे पहले तक में यानी कि ऊपर यहाँ से देखिए यहाँ तक में जो सिटिंग अरेंजमेंट था इसमें नाइन गर्ल्स क्या हैं इससे पहले बैठी हुई हैं ठीक है ठीके? टोटल गर्ल्स कितनी है तो हमें सिर्फ इतना पता है कि ट्वाइस है बॉयज़ से तो आप देखेंगे टोटल कितने है, स्टूडेंट हैं सिक्सटी थोड़ा सा यहाँ पर एल्जेबरा को यूज़ करते हैं आप देखेंगे अगर मान लेते हैं कि गर्ल्स बॉयज़ का जो नंबर है वो एक्स है तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा टू एक्स हो जाएगा क्योंकि हमें बताया गया है ट्वाइस है गर्ल्स तो ये टू एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू में आप क्या रखेंगे दोनों का सम इंक्लूड करके हमें सिक्सटी स्टूडेंट्स पता है तो सिक्सटी रखेंगे आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा थ्री एक्स इक्ल्स टू में सिक्सटी एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी कितनी ट्वेंटी यानी कि बॉयज़ कितने हो जाएंगे ये हमें मिल गया बॉयज़ का नंबर आप अगर गर्ल्स का निकालेंगे तो टू एक्स होगा मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा ट्वेंटी को टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा फोर्टी गर्ल्स तो यहाँ पे हमें लड़के और लड़कियों दोनों की नंबर मिल चुके हैं कितने हैं ये ठीक है तो हमसे किन के बारे में पूछा गया बॉयज़ के रैंक के बारे में तो बॉयज़ का रैंक आप देखेंगे कितना है टोटल बॉयज़ कितने हैं ट्वेंटी है और हमें बता दिया गया है कि जो कमल है उसकी जो रैंक है वो कितनी है सेवनटीन है तो जैसे हमें बताया गया है पहले लेस करते हैं ट्वेंटी हो गया माइनस अब आप देखेंगे कि इस पूरे सीरीज में पहले हमें पता करना पड़ेगा कि सेवनटीन यहाँ पर बैठे हुए हैं जो स्टूडेंट्स कमल का जो नंबर है वो सेवनटीन है इसके ऊपर कितने लोग हैं सिक्सटीन परसन है टोटल और सिक्सटीन में से हमें ये पता चला कि गर्ल्स कितनी थी नाइन थी तो नाइन अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा तो ये हो जाएगा सेवन इसका मतलब यहाँ पर तो टोटल बॉयज़ कितने बैठे थे कमल के ऊपर तो सेवे सेवन बॉयज़ और कमल को इंक्लूड कर देंगे तो कितना हो जाएगा एट बॉयज़ तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस वन कर देंगे तो टोटल कमल की रैंक तक यानी कि 17 तक हमारे पास कितने बॉयज बैठे हुए मिल चुके हैं हमें तो ये हमें एट बॉयज थे जिनकी सिटिंग यहाँ से लेके यहाँ तक हो चुकी है अब बताना है कि कमल के नीचे कितने लोग बैठे हैं तो बताने के लिए हम क्या करेंगे हमें पता है कि कमल के कमल को इंक्लूड करते हुए इस पूरे रैंक तक आठ बॉयज़ थे जिनकी अरेंजमेंट पहले हो चुकी है तो उन्हें हम माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग कितने बच जाएंगे ट्वेल्व यानी कि ट्वेल्व बॉय ट्वेल्व बॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सिटिंग अरेंजमेंट कमल के नीचे कहीं पर है तो इसका मतलब ट्वेल्व इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा तो आप देखेंगे ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो अगर समझ में आ गया तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है आप देखेंगे ये भी एग्जाम में पूछा गया है टू में क्वेश्चन में गिवन है फिफ्टीन स्टूडेंट्स फेल इन द क्लास ऑफ फिफ्टी टू टोटल जो स्ट्रेंथ है क्लास की वो कितनी है फिफ्टी टू जिसमें से फिफ्टीन स्टूडेंट क्या हो चुके हैं फेल हो चुके हैं आफ्टर रिमूविंग द नेम ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट्स मेरिट ऑर्डर लिस्ट हैज़ बीन प्रिपेयर इन विच द पोजिशन ऑफ आर अमेज इज ट्वेंटी सेकेंड तो जो भी फेल स्टूडेंट थे उनको उनके नाम को जब रिमूव कर दिया गया उसके बाद एक ऑर्डर लिस्ट को प्रिपेयर किया गया जिसमें रमेश नाम का कोई लड़का है जिसकी जो रैंक आई है वो कितनी है ट्वेंटी सेकेंड फ्रॉम द टॉप और वो भी कहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ तो वट इज़ द पोजिशन फ्रॉम द बॉटम तो इसी की पोजिशन हमसे क्या है नीचे से पूछी गई है तो इसमें भी जो अरेंजमेंट है सिटिंग का वो कैसा है वर्टिकली है तो अरेंज करते हैं इसको भी तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें राइट से ऊपर की तरफ से पता है टॉप से तो टॉप से रमेश की जो रैंक है वो कितनी है ट्वेंटी सेकेंड तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं रमेश बैठा होगा ट्वेंटी सेकेंड पोजिशन पे ठीक है अब ट्वेंटी सेकेंड पोजिशन तो हमें मिल चुकी है और नीचे से कितनी है ये हमें नहीं पता टोटल स्ट्रेंथ कितनी है क्लास की फ़िफ्टी टू और इसमें से फिफ्टीन स्टूडेंट हट चुके हैं तो पहले इसको काउंट करते हैं तो टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट थे वो कितने थे 52 इसमें से कितने माइनस हो गए 15 आप इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा ये ये आएगा अराउंड 37 आ जाएगा ठीक है यानी कि अब क्लास के अंदर जो बच्चे हैं पास हुए हैं तो पासिंग स्टूडेंट कितने हैं थर्टी सेवन है तो ये वो हैं जो पास हो चुके हैं ठीक है ठीके? और ये कौन थे जो फेल हो चुके थे अब क्या करना है अब हमें ये पता है कि इसके रैंक हमें पता है ट्वेंटी सेकेंड तो ट्वेंटी सेकेंड इसमें से माइनस करते हैं पता चल जाएगा कितने हैं जो इसके नीचे बैठे हुए हैं तो आप इसमें से माइनस करेंगे आ जाएगा फाइव और ये आ जाएगा वन डेट मीन्स फिफ्टीन परसेंट और भी हैं जो क्या है रमेश के नीचे बैठे हुए हैं तो ये कौन था रमेश तो रमेश के नीचे कितने लोग बैठे हुए हैं फिफ्टीन और अगर आप रमेश की रैंक बताएंगे तो 15 परसेंट इससे पहले बैठे हुए हैं और रमेश को आप इंक्लूड कर देंगे दैट मीन्स 15 प्लस में वन वन ये कौन है ये रमेश को हमने खुद इंक्लूड किया है तो ये कितना हो गया सिक्सटीन दैट मीन्स रमेश की जो रैंक है बॉटम से ये कितनी है सिक्सटीनथ तो और यहाँ से आप देखेंगे टॉप से कितनी थी ट्वेंटी सेकेंड तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी अगर आप इसे क्रॉस चेक करना चाहें तो भी कर सकते हैं कैसे दोनों को प्लस कीजिए और माइनस वन कीजिए देखिए थर्टी सेवन आता है या नहीं आता तो आप अगर इसे प्लस करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं हम ट्वेंटी सेकेंड है प्लस में सिक्सटीन है आप इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा एट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा थ्री थर्टी एट हो जाएगा और क्योंकि रमेश दो बार काउंट हो गया स्टार्टिंग से भी जब आपने काउंट किया तो भी रमेश की पोजीशन को काउंट कर लिया और आपने जब एंडिंग पॉइंट से यानी कि बॉटम पॉइंट से जब इंक्लूड किया तब भी ऐड कर लिया तो इसमें से माइनस वन कर देंगे दैट मीन्स टोटल स्टूडेंट कितने आ गए थर्टी सेवन तो हमने देखा था पासिंग स्टूडेंट हमारे पास कितने थे थर्टी सेवन दैट मीन्स इसका राइट right आंसर क्या हो जाएगा तो सिक्सटीन आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सो स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है सीसीएट एग्जाम में पूछा गया है 2020 में क्वेश्चन में हमें कहा गया है क्वेश्चन को पढ़ते हैं ए इज सिक्सटीन्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड जो ए की पोजिशन हमें बता रखी है लेफ्ट एंड से कितनी है सिक्सटीन है और वो भी किस तरीके की सीटिंग अरेंजमेंट है तो रो वाइज है यानी कि हॉरिजेंटल है ऑफ द बॉयज़ एंड वी इज एटीन और वी की पोजिशन हमें पता है एटीनथ है कहाँ से है यह है राइट right एंड से जी इज़ इलेवेंथ फ्रॉम ए टुवॉर्ड द राइट तो जो जी की पोजिशन हमें बताया गया है कि ए की पोजिशन के बाद कहीं पर आगे की तरफ मूव करेंगे आप तो वहाँ पर कहीं एलेवेंथ नंबर पर ए के बाद एलेवंथ पोजिशन पर कौन बैठा हुआ है तो जी बैठा हुआ है एंड थ्री फ्रॉम द वी टू वॉर्ड द राइट एंड और वी से कितनी डिस्टेंस है या कितना इसका पोजिशन बन रहा है तो थ्री का बन रहा है हाओ मेनी बॉयज़ आर देयर इन आ रो तो हमें बताना है टोटल कितने रो के अंदर बॉयज़ हैं ठीक है थीके? तो शुरू करते जैसा हमें डायग्राम में कहा गया है तो ड्रॉ करते हैं पहले मान लेते हैं ए की पोजीशन हमें जो बताई गई है सिक्सटीन वो यहाँ पे कहीं आ रही है एक ही पोजीशन ठीक है तो इसका मतलब यहाँ से सिक्सटीन पोजीशन पे ए है फिर हमें कहा गया है वी की पोजीशन हमें एटीनथ बताई गई है तो ले लेते हैं हम पीछे की साइड से मान लेते हैं यहाँ पे कहीं क्या है बी की पोजिशन होगी कितनी एटीनथ है फिर क्या कहा गया फिर कहा गया जी इज इलेवन फ्रॉम ए टू द राइट एंड थ्री फ्रॉम द वी टू द राइट एंड राइट की साइड पे ए से अगर आप जी की पोजीशन देखेंगे तो वो इलेवन नंबर पे है और अगर वी से आप देखेंगे तो कहाँ पर है तो फिर वो है थर्ड पे तो ये वी है इसे ये बी नहीं ये है वी ठीक है तो अब प्लेस करते हैं इसको वी के बाद ये थर्ड पोजिशन पे है। तो पहले इसके थ्रू लगा देते हैं वी के बाद फर्स्ट सेकंड और थर्ड इस वाली पोजीशन पे कौन है जी है ठीक है थर्ड पोजीशन हो गई यहाँ से और अब ए से आप देखेंगे तो ये इलेवेंथ नंबर पे आना चाहिए तो काउंट कर लेते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और एक ये हो गया ग्यारह अब अगर अगर आप काउंट करेंगे तो ए के बाद जो है इलेवेंथ सेटिंग पे होना चाहिए तो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह दैट मीन्स इलेवेंथ पोजिशन पर आ गया ई तो बीच में इतने लोग क्या हैं इसके बैठे हुए क्या पूछा गया हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द रो तो बताना है कि टोटल रो के अंदर कितने बॉयज़ हैं तो पहले इन्हें करते हैं काउंट आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमें पोजीशन पता चली वो कितनी है सिक्सटीन मिल गए यहाँ पे ए को इंक्लूड करते हुए आप यहाँ से अगर देखेंगे वी से तो हमें कितनी मिल रही है ए से लेके वी के बीच में वी को इंक्लूड करेंगे हम इसमें तो एक दो तीन चार पाँच छः सात तो टोटल यहाँ पे सात लोग हमें मिल रहे हैं वी को हमने इंक्लूड नहीं किया है यहाँ पे सिर्फ ए से लेके वी के बीच में जितने लोग थे उनके बारे में बात की गई है तो ये कितने थे सेवन थे और आप देखेंगे वी से लेके एंडिंग तक में वी को इंक्लूड करके एटीनथ है तो इसके बाद कितने लोग बैठे हुए हैं एटीन पर्सन है जो इनके बीच में इनके बाद बैठे हुए हैं और इसमें वी भी क्या है इंक्लूडेड है तो आप इन तीनों को काउंट कर देंगे दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे आप इसे काउंट करेंगे तो ये आएगा एक ये आ जाएगा हमारे पास फोर्टी टू ठीक है बॉयज़ तो टोटल तो हमारे पास कितने बॉयज़ हो गए फोर्टी टू बॉयज़ हैं जो कि इस रो में क्या है सेटेड है तो आप देखेंगे ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन की तरफ में गिवन है इन अ इंग्लिश अल्फाबेट द फर्स्ट फोर लेटर आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर तो कहा गया है इंग्लिश अल्फाबेट में जो पहले के चार लेटर हैं उनको हमने अपोजिट ऑर्डर में क्या है अरेंज कर दिया है कहने का सेंस क्या है जैसे अगर हम बोलें ए बी सी डी इस तरीके से अरेंज किया जाता है इन्हें क्या है अपोज़िट डायरेक्शन में यानी कि जो लास्ट वाला है उसको पहले कर दिया है तो डी सी बी ए इस तरीके से क्या किया गया अरेंज किया गया ठीक है ये कहने का मतलब है आगे मूव करते हैं एंड द नेक्स्ट फोर आर रिटर्न इन अ अपोजिट ऑर्डर तो अगले जो चार है उनको भी इसी तरीके से अरेंज किया गया इसका मतलब चार चार के जोड़े में बना के क्या चीज़ों को अरेंज किया गया है एंड सो ऑन इसी तरीके से हमने सबको किया है एट द एंड वाई और जेड और लास्ट में क्या है वाई और जेड बच गए हैं आर इंटरचेंज इनके केस में हमने सिर्फ इन दो को इंटरचेंज किया गया है यानी कि हमने इस तरीके से चार चार के पेयर में सबको किया और लास्ट में जब हम पहुंचे तो यहाँ पे हमें मिला वाई और जेड तो हमने क्या है सिर्फ इन दोनों को आपस में क्या कर दिया इंटरचेंज कर दिया इस तरीके से ठीक है और फिर क्वेश्चन में क्या क्या गया है विच विल बी द फोर्थ लेटर टू द राइट ऑफ थर्टीन लेटर तो हमें बोला गया है कि थर्टीनथ लेटर जो हमारा आ रहा है उसके राइट में चार लेटर कौन से होंगे उसके बाद जो चौथा लेटर होगा ये हमें बताना है तो देट मीन्स हमें स्टार्टिंग से इस चीज़ को काउंट करना है कि स्टार्टिंग से हम थर्टीन लेटर को काउंट करेंगे जो भी आ रहा होगा ये जो हमने दोबारा से अरेंज किया उस फॉर्म में उसके बाद के चार तो राइट डायरेक्शन में आप जाएंगे चार लेटर और इसके आगे हो जाएगा तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो थर्टीन लेटर ये हो गए प्लस में इसके चार और मूव करना है दैट मीन्स फोर और इसमें ऐड कर दीजिए तो टोटल आपको जो बताना है दैट मीन्स सेवनटीन नंबर बताना है कि 17th रैंक किसकी आ रही है कौन से नंबर की वो भी कहाँ से स्टार्टिंग से ठीक है तो चलिए पहले हम इसे अरेंज करते हैं आते हैं जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे ए बी सी डी लिख दी अब इसको अरेंज करते हैं जैसे कि हमें कहा गया है अगर आप अरेंज करेंगे तो जैसे मैंने बोला कि आप इस जोड़े में लेके आएंगे तो डी पहले लिखेंगे फिर सी लिखेंगे फिर बी लिखेंगे फिर ए लिखेंगे ऐसे इसको भी अरेंज करेंगे तो यहाँ पर पहले एच आएगा फिर जी आएगा फिर एफ आएगा और फिर ई e आएगा सेम इसमें भी यही होगा पहले हमारे पास क्या आ जाएगा पहले आएगा एल तो यहाँ पे पहले आएगा एल फिर आएगा के फिर आएगा जे फिर आएगा आई आए। सेम यहाँ पे भी आप करेंगे पी हो जाएगा ओ हो जाएगा एन हो जाएगा और फिर एम हो जाएगा इस वाले में आएंगे तो पहले आ जाएगा टी फिर एस आएगा फिर आर आएगा और फिर क्यू आएगा यहाँ पर आप आएंगे तो पहले एक्स हो जाएगा फिर डब्ल्यू फिर वी और फिर यू और इसको इंटरचेंज करेंगे तो जैसा लास्ट में कहा गया था कि वाई और जेड को अकेले इंटरचेंज करना है तो इनको आप इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे जेड हो जाएगा और यहाँ पे वाई हो जाएगा और हमें कौन सी रैंक निकालनी है तो अभी हमने देखा हमें सेवनटीन्थ रैंक निकालनी है ठीक है तो हमें जो रैंक निकालनी है वो कौन सी है सेवनटीन्थ रैंक हमें फाइंड करनी है तो फाइंड करते हैं सेवनटीन्थ रैंक काउंट करेंगे तो आप देखेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह और ये आ गया सेवनटीन दैट मीन्स सत्रहवें नंबर पे जो आ रहा है वो कौन है टी है तो हमें सेवनटीन्थ रैंक वाला बताना था तो ऑप्शन में चेक करते हैं ऑप्शन में आप देखेंगे यस yes, हमारे पास है ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा तो आई होप ये आपको समझ में आएगा बस यही आपको अरेंज करना था इनको थोड़ा अच्छे से ध्यान से बाकी और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन ईजी था बस इन्होंने अरेंज करवाने में जो मेहनत करवाई है बस वो करवाई है तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्लियर हुआ होगा ठीक है मूव कर सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कंसीडर टू स्टेटमेंट एंड अ क्वेश्चन तो दो स्टेटमेंट गिवन है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा पढ़ते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें गिवन है प्रिया इज़ फोर्थ रैंक ब्लो सीमा एंड इज थर्टी फर्स्ट फ्रॉम द बॉटम तो पहले स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि प्रिया की जो रैंक है वो कितनी है फोर्थ रैंक पे है सीमा के नीचे कहीं पर ठीक है मतलब सीमा के बाद चौथे नंबर पे कौन है प्रिया है और अगर इसकी बॉटम से पोजीशन आप चेक करेंगे तो एक कौन से पोजीशन पे आ रही है थर्टी फर्स्ट तो जैसा हमें स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा गया ना पहले हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं तो हमें बताया गया है फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में हमें नहीं पता कि सीमा के रैंक कहाँ है तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि सीमा यहाँ पे कहीं होगी ठीक है ये है सीमा की रैंक अब इसके बाद फोर्थ इसके डाउन में आप चलेंगे तो फोर्थ नंबर पे कहीं पे कौन आ रही है प्रिया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पे यानी कि इस वाले रैंक पे कौन है प्रिया है अब हमें क्या बताया गया है इतना हमें पता चला और इसके अलावा हमें ये भी बताया गया है कि अगर आप बॉटम से प्रिया की पोजीशन देखेंगे तो ये कौन से नंबर पे है ये है थर्टी फर्स्ट रैंक पे तो ये रहा थर्टी फर्स्ट रैंक तो यहाँ पे रखते हैं थर्टी फर्स्ट रैंक पे आ गई तो अगर आप यहीं से काउंट करेंगे तो बता सकते हैं कि सीमा कौन से रैंक पर है तो सीमा का आप देखेंगे तो अगर ये थर्टी फर्स्ट पर दैट मीन सीमा किस पे हो जाएगी थर्टी रैंक पर हो जाएगी है ना तो ये तो इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं बॉटम से अगर सीमा की रैंक पूछी जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी थर्टी फिफ्थ हो जाएगी ठीक है नेक्स्ट पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट uh, में हमें कहा गया है एना इज सेकेंड रैंक अबव सीमा एंड इज़ थर्टी सेवन फ्रॉम द बॉटम तो यहाँ पे एना की रैंक बताई गई है इन कंपेरिजन टू सीमा सीमा के अबव में कहीं सेकेंड नंबर पे है ये मतलब कि जस्ट इसके ऊपर एक पर्सन बैठा होगा उसके बाद एना होगी और अगर इसकी बॉटम से रैंक आप चेक करेंगे एना की तो वो कितनी है थर्टी सेवन तो इसको भी ड्रॉ करते हैं जैसा हमें कहा गया है तो सेकेंड वाली सिचुएशन को आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमने माना सीमा की रैंक कहाँ पर थी यहाँ पर कहीं है तो यहाँ पर कहीं सीमा है ठीक है और इसके जस्ट ऊपर एक को छोड़ के जो दूसरी लड़की है वो कौन है एना है और एना की पोजीशन नीचे से अगर आप चेक करेंगे बॉटम से तो हमें ये भी पता चल गया कि ये कौन सी पोजीशन पे है थर्टी सेवन पे तो अगर ये थर्टी सेवन पे है, तो भी हम सीमा की रैंक यहाँ से बता सकते हैं कौन से पे है ये थर्टी फिफ्थ पे आ रही है ये कहाँ से बॉटम से तो बॉटम से सीमा की रैंक भी कितनी आ रही है थर्टी फिफ्थ आ रही है दोनों में सेम ही आ रहा है आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया दोनों स्टेटमेंट भी ये ये चीज़ें कही गई थी हमने किसी भी स्टेटमेंट को मिक्स नहीं किया अभी फर्स्ट में जितनी बातें कही थी उसको ड्रॉ कर लिया सेकेंड में जो बातें कही थी उसको ड्रॉ कर लिया गया आगे देखते हैं क्या कहा गया आगे क्वेश्चन में हमें कहा गया है वट इज़ सीमाज रैंक फ्रॉम द टॉप तो हमसे सीमा की ही रैंक पूछी गई है पर टॉप से पूछी गई है और हमें बताया गया क्लास के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट है फोर्टी स्टूडेंट है ठीक है और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट होगा वो सही होगा तो देखेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट में गिवन है एस वन अलोन इज नॉट सफिसियट टू आंसर द क्वेश्चन तो पहला स्टेटमेंट जो है वो अकेले सफिशियंट नहीं है एस टू में अलोन एस टू अलोन इज नॉट सफिशियंट तो स्टेटमेंट सेकेंड भी कह रहा है अकेले सफिशियंट नहीं है आइदर द स्टेटमेंट वन अलोन और एस टू यानी कि स्टेटमेंट सेकेंड अलोन इज़ सफ़िसंट टू आंसर द क्वेश्चन तो क्या है दोनों अकेले के लिए सफ़ीशियंट है और लास्ट में कहा गया है, दोनों को इंक्लूड करके हम आंसर को दे सकते हैं तो चेक करते हैं हमें पताना है सीमा की रैंक टॉप से बतानी है और टोटल फोर्टी स्टूडेंट है तो आते हैं जो हमने डायग्राम को ड्रॉ किया था यहाँ पर आप देखेंगे टोटल कितने स्टूडेंट है फोर्टी स्टूडेंट है ठीक है यहाँ पर भी टोटल कितने हो जाएंगे फोर्टी स्टूडेंट हो जाएंगे अब हमें कहा गया फोर्टी स्टूडेंट है तो आप चेक करेंगे तो यहाँ से सीमा की जो रैंक पता है हमें बॉटम से पहले से पता है थर्टी फ़ाइव है हमें टॉप से बतानी है तो अगर बॉटम से ये थर्टी फाइव है तो कितने लोग बच गए जो इस जगह पे नहीं है दैट मीन्स इसके ऊपर सिर्फ पांच ही लोग तो होंगे जो बैठेंगे तभी तो इनका सम फोर्टी बनेगा कि टोटल फोर्टी स्टूडेंट्स हैं इस रैंक में ठीक है सेम इस तरीके से आप यहाँ पर भी देखेंगे तो एना के बाद कितने लोग बैठे होंगे सिर्फ़ तीन स्टूडेंट्स होंगे जो बैठे होंगे है ना तभी तो इनकी भी तो फोर्टी रैंक आएगी क्योंकि थर्टी सेवन पे तो एना खुद है और तीन रैंक और लेंगे तभी तो ये फोर्टी पूरा होगा तो सीमा की रैंक आप देखेंगे इस सिचुएशन में भी बता सकते हैं कितना हो जाएगा तो पाँच लोग इसके ऊपर बैठे हुए हैं और आप सीमा को इंक्लूड कर देंगे तो वन दैट मीन सीमा की रैंक कितनी आ जाएगी सिक्स फर्स्ट वाली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो इसका मतलब फर्स्ट वाली स्टेटमेंट अकेले सफिसियंट है आंसर देने के लिए तो ये क्या हो जाएगा अलोन सफिसियंट ठीक है सेकेंड वाले स्टेटमेंट को देखते हैं यहाँ पे भी सीमा की रैंक बतानी है तो यहाँ पे भी सीमा कितने पे है थर्टी फिफ्थ पे है और ऊपर से यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं तो आप देखेंगे तीन लोग एना के ऊपर बैठे हुए हैं फिर एना एक और है तो तीन लोग एना के ऊपर हैं फिर एना है फिर बीच में एक पर्सन कोई और भी है नहीं पता कौन है और उसके बाद फिर सीमा है तो सीमा को भी ऐड करते हैं तो टो टोटल मिला के यहाँ पे भी कितना हो गया सिक्स पोजीशन तो यस हम इस वाले में भी बता सकते हैं तो स्टेटमेंट सेकंड भी जो है ये क्या हो जाएगी अलोन सफिशियंट है एक सेकेंड तो स्टेटमेंट सेकेंड भी क्या अलोन सफिशियंट है ठीक है तो अगर ये दिख नहीं रहा होगा पर आपको चलिए मैं इसको साइड में लिखती हूँ तो यहाँ पे हमें पता है कि टोटल मिला के फोर्टी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर भी और अगर फोर्टी हैं तो आप देखेंगे थर्टी फाइव सीमा है नीचे से बॉटम से पर हमें और टॉप से बतानी है इसकी पोजिशन तो आप देखेंगे कि थर, तीन स्टूडेंट्स हैं जो एना के ऊपर बैठे हुए हैं तो तीन हमने ये रखे और फिर चौथे नंबर पे कौन है एना खुद है इसके बाद एक गर्ल कोई और भी है जो यहाँ पे एक एक स्टूडेंट या एक बच्चा और भी है कोई यहाँ पे बैठा है और उसके बाद फिर सीमा है तो टोटल मिला के सीमा यहाँ पे भी कितने पोजीशन पे हो गई सिक्स नंबर पे दैट मीन्स सेकेंड स्टेटमेंट भी अलोन सफिशियंट है और स्टेटमेंट फर्स्ट भी क्या है अलोन सफिशियंट है तो क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं हम यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा तो आंसर हमारा हो जाएगा आइदर द स्टेटमेंट वन अलोन और स्टेटमेंट टू ऑल्सो इज सफिशियन टू आंसर तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट right आंसर हो जाएगा दोनों अकेले ही सफिशियंट है आंसर देने के लिए ठीक है तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे हमें कहा गया है थ्री पर्सनस ए बी एंड सी आर स्टैंडिंग इन अ क्यू नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर जरूरी नहीं है कि ये सेम ही ऑर्डर में बैठे होंगे कि फर्स्ट नंबर पे ए है बी नंबर फिर सेकंड पे और ये थर्ड पे ऐसा जरूरी नहीं है फिर कहा गया है आर आर आ फोर पर्सेंट बिटवीन ए एंड बी हमें बताया गया है कि ए से लेके बी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं फोर परसेंट और सेवन परसेंट बिटवीन बी और सी बी और सी के बीच में बात करेंगे तो कितने लोग बैठे हैं सेवन परसेंट इफ़ दे आर आर आलेवन परसेंस अहेड ऑफ सी और कहा गया है सी के आगे कितने लोग हैं इलेवन परसेंस हैं और थर्टीन बिहाइंड ए और ए के पीछे कितने लोग बैठे हैं तो थर्टीन परसेंट वट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन अ क्यू तो इसे हम देखते हैं हमसे मिनिमम नंबर पूछा गया और इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको मैक्सिमम भी बताऊंगी और मिनिमम भी देखते हैं कि किस तरीके से किया जाएगा तो जैसे पहले बात की गई है मिनिमम की तो मैंने आपको बताया था जब हमने इस टाइप को किया था तो मिनिमम के केस में हमें क्या करना है तो हम यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर ओवरलैपिंग हुई है तो ओवरलैपिंग वाले डायग्राम में हमने देखा है कि चीज़ें क्रॉस कर जाती है मतलब पी अगर यहाँ से बैठा होगा तो क्यू इसके बाद यहाँ से बैठा होगा इस वाले सिचुएशन में जब आप चीज़ों को ड्रॉ करते हैं ना तो ये किस में चला जाता है तो ये ओवरलैपिंग में चला जाता है और मिनिमम के लिए हमें ओवरलैपिंग को यूज़ करना पड़ता है तो चलिए ड्रॉ करेंगे इसको जैसा हमें कहा गया है तो पहले हमें कहा गया है कि ए और बी के बीच में कितने लोग हैं चार लोग हैं और बी और सी के बीच में कितने हैं सात लोग हैं तो ड्रॉ करते हैं पहले मान लेते हैं बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है तो ए से लेके बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं चार लोग तो बिठाते हैं एक दो तीन और ये हो गए चार लोग और बी से लेके सी के बीच में कितने हैं तो बी से लेके सी के बीच में सात लोग हैं तो बी और सी हम यहाँ कहीं बिठा सकते हैं तो बिल्कुल बिठा सकते हैं चार लोग ये हो गए और ए को मिला के पांच हो गए दैट मीन्स ए और सी के बीच में सिर्फ दो ही लोग बैठे हैं अब आप देखेंगे बी से लेके सी के बीच में सात लोग चाहिए थे तो चार पाँच छः और सात तो हो गए सात लोग ठीक है तो इतनी कंडीशन तो फुलफ़िल हुई आगे मूव करते हैं इफ़ देयर आर इलेवन पर्सन अहेड ऑफ सी और सी के आगे कितने लोग बैठे हुए हैं तो हमें बताया गया है इलेवन पर्सन्स यहाँ पर है और क्या कहा गया है थर्टीन बिहाइंड ए ए के पीछे कितने लोग हैं थर्टीन पर्सनस है तो आप देखेंगे यहाँ पे कितने लोग हैं ए के बाद एक दो तीन चार पाँच लोग यहाँ पे हमें मिल चुके हैं ऑलरेडी तो थर्टीन में से फाइव आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा तो ये बचेगा आठ इसका मतलब ए के बाद कितने लोग बैठे हुए हैं आठ लोग कहीं बैठे हुए हैं ठीक है तो एट परसेंट इसके बाद बैठे होंगे बी के बाद यानी कि टोटल मिला के ए के इधर बी की कोई सिचुएशन नहीं पता तो ओवरलैपिंग वाले केस में सेम हो जाता है ठीक है अब आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो ये कैसा आ जाएगा ये हमें मिल जाएगा मिनिमम पर्सन तो काउंट कर लेते हैं इसको तो इसे आप काउंट करेंगे तो हमें शुरू में एट परसेंट यहाँ मिल गए ठीक है बी से पहले और बी से लेके ए के बीच में आप जाएंगे तो कितने लोग हो चुके हैं यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच और ए को मिला के छ लोग सात आठ नौ तो टोटल मिला के यानी कि बी से लेके सी के बीच में टोटल मिला के कितने लोग हो गए नौ लोग बी और सी को इंक्लूड करके तो एक ये हो गया दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तो यहाँ पर हो गए हमारे पास नाइन परसेंट इंक्लूडिंग बी ए सी तीनों प्लस में अब ए के सी के बाद कितने लोग बैठे थे तो इलेवन परसेंट तो इलेवन परसेंट यहाँ पे बैठे थे अब आप इसे काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी एट हो जाएगा दैट मीन्स ये हो गया ट्वेंटी एट और ये हमने बनाया मिनिमम का केस दैट मीन्स बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट right हो जाएगा ठीक है और अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमसे मैक्सिमम पूछ लिया जाता तो आप क्या करते तो मैक्सिमम के केस में हम ड्रॉ करते हैं पहले हमें कहा गया था कि ए से लेके बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं चार लोग तो मान लेते हैं ए यहाँ पर है बी यहाँ पर है चार लोग हैं एक दो तीन चार लोग हो जाएंगे बी से ले सी के, के बीच में कितने परसेंट बताए गए थे तो बी से ले सी के, के बीच में सात लोग थे ठीक है तो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे सेवन पर्सेंट थे एक दो तीन चार पाँच छः सात और यहाँ पर आ गया सी ठीक है सी के बाद कितने लोग बैठे हैं तो हमें बताया गया था इलेवन लोग हैं इलेवन पर्सन हैं और ए के बाद कितने लोग बैठे थे तो ये हमें बताया गया था आ, चेक करते एक बार में क्या था? तो यहाँ पे कितने लोग थे थर्टीन लोग थे तो यहाँ पर हमें मिल गए थर्टीन तो यहाँ पर है थर्टीन ठीक है तो ये मैक्सिमम का केस हो जाएगा आप इसे काउंट करेंगे तो देखेंगे थर्टीन ये हो गया प्लस में इसे काउंट करते कितने लोग ए से लेके सी के बीच में हुए तो ये तो थर्टीन हो गए यहाँ से लेके यहाँ तक का आपने काउंट कर लिया ये हो गया थर्टीन अब हम काउंट करते ए से लेके सी के बीच में कितने हैं ये ए और बी और सी को इंक्लूड करते हुए तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और एक सी को मिला लेंगे तो फोर्टीन टोटल 14 परसेंट यहाँ पर हो गए प्लस में इसके बाद कितने परसेंट से तो 11 इसको भी ऐड करते हैं तो आप इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा सेवन और एक एट हो जाएगा और इसको आप इंक्लूड कर देंगे तो ये हो जाएगा 38 तो मैक्सिमम के केस में हमारे पास कितने परसेंट आ गए 38 और मिनिमम के केस में आपने देखा कितने परसेंट आए ट्वेंटी तो आप देखेंगे यहाँ पे टेन परसेंट्स का डिफरेंट हो जाता है हमसे क्वेश्चन में मिनिमम पूछा गया था तो हमने बता दिया ट्वेंटी एट तो ये हमारा राइट right ऑप्शन हो गया मैक्सिमम के केस में आपसे पूछा जाता तो आप इस तरीके से क्या है चीज़ों को ड्रॉ कर देते ठीक है तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हमें सिक्स लेक्चर ए बी सी डी ई एंड एफ़ तो आप देखेंगे छः क्लासेस हैं लेक्चर्स हैं और सबका जो टाइम ड्यूरेशन है वन आवर का है आर शेड्यूल बिटवीन एट एम टू पी एम आठ बजे सुबह से लेके और दोपहर के दो बजे तक क्या होती है चलती हैं कंसिडर द क्वेश्चन क्वेश्चन कुछ दिए हैं उनको कंसिडर करना है एंड टू स्टेटमेंट्स गिवन ब्लो दो स्टेटमेंट भी आपको गिवन है क्वेश्चन विच हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है इज इन द थर्ड तो बताना है कि थर्ड नंबर पे कौन सा लेक्चर हो रहा है तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें कहा गया है लेक्चर एफ इज प्रोसीड बाय ए एंड फॉलोड बाय सी तो लेक्चर एफ के बारे में हमें बताया गया है प्रोसीड किसके बाद कर रहा है तो ए के बाद और फॉलो किसको कर रहा है सी को तो देखते हैं आप इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करते हैं फर्स्ट वाले केस में हमें कहा गया है कि एफ है एफ के बाद में जो लेक्चर होता है वो किसका है सी का है तो एफ के बाद कौन आ जाएगा सी आ जाएगा और एफ से पहले किसका लेक्चर हो रहा है तो एफ से पहले लेक्चर हो रहा है ए का तो यानी कि एफ से पहले कौन आ जाएगा एक सेकेंड अच्छा तो यहाँ पे बोला गया है लेक्चर एफ प्रोसीड बाय ए तो ए इसके बाद है और फॉलोड बाय सी अच्छा दो सेकंड ये मिस हो गया तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो फॉलोड किसको कर रहा है सी को तो यानी कि एफ़ से पहले जो लेक्चर हुआ है वो सी का हुआ है और एफ के बाद जो लेक्चर हुआ है वो ए का हुआ है ठीक है लेक्चर ए आगे क्या कहा गया ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया है देयर इज नो लेक्चर आफ्टर लेक्चर बी तो लेक्चर बी के बाद में कोई भी लेक्चर नहीं हुआ है ठीक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट तो सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि बी के बाद कोई भी लेक्चर नहीं हुआ है दैट मीन्स बी कहाँ पर होगा लास्ट होगा ठीक है तो इस तरीके से अगर आप अरेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बी सब से लास्ट में हुआ है फिर आगे ए बी सी डी जो भी होंगे वो ऊपर होंगे तो ये कुछ सीरीज है हमें एंड में बताया गया तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट थे हमने ड्रॉ कर लिया क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया स्टेटमेंट वन इज़ अलोन सफिशियंट स्टेटमेंट टू इज़ अलोन सफिशियंट हमसे पूछा गया है कि थर्ड लेक्चर बताना है हमें कि थर्ड नंबर पे कौन सा लेक्चर हुआ है तो आप अगर इन दोनों स्टेटमेंट से देखेंगे क्या इस स्टेटमेंट से हम बता सकते हैं कि थर्ड लेक्चर कौन सा हुआ सिर्फ फर्स्ट वाले से नहीं बता सकते क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि सी एफ़ और ए की पोजीशन क्या है ये तो हमें पता है कि इस एफ़ से ऊपर सी है और एफ़ के नीचे ए है पर हमें ये नहीं पता कि ये है कौन से नंबर पर कौन सा लेक्चर कौन से इसके पहले कौन से हैं और इसके बाद क्या है इनके हमारे पास कोई डाटा नहीं है दैट मीन्स सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से हम नहीं बता सकते तो ये क्या हो जाएगा नॉट सफ़ीसियट हो जाएगा क्या आप इससे बता सकते हैं बी से इसमें तो हमें हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है सिर्फ इतना पता है कि बी लास्ट में हो रहा है क्योंकि इसके बाद कोई लेक्चर नहीं हो रहा तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा नॉट सफिसंट है तो अगर हम बात करें अलोन की तो अलोन क्या हो जाएंगे दोनों अनसफ़िसंट हो गए यानी कि नॉन सफिसेंट हो गए तो दोनों से हम जवाब नहीं दे सकते अब दोनों को इंक्लूड करके देख लेते हैं फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट को आप इंक्लूड करेंगे तो हमें इतना पता है कि सी है एफ़ है ए है और लास्ट में कहीं पे बी है पर हमें नहीं पता कि इस बीच में कौन है और इसके ऊपर कौन है हमें इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा अगर आप दोनों को इंक्लूड करके भी बात करते हैं तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड भी क्या हो जाएंगे नॉट सफिशियट है रिप्लाई करने के लिए आंसर देने के लिए ठीक है तो इसके लिए क्या हो जाएगा मतलब हम किसी भी तरीके से इसका जवाब नहीं दे सकते तो चेक करते ऑप्शन में क्या हो जाएगा स्टेटमेंट वन अलोन सफिशियंट टू आंसर तो हम जानते हैं नहीं हम नहीं दे पाए इसका आंसर स्टेटमेंट सेकेंड के अकॉर्डिंग भी नहीं हुआ दोनों को मिला के क्या स्टेटमेंट हम बता पाए थे नहीं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट सेकेंड आर नॉट सफिशियंट टू आंसर तो यस ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्लैरिफाई हुआ होगा तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जाम में कहा गया है सिमरन करेक्टली रिम्बर दैट हर फादर्स बर्थडे इज़ आफ्टर ट्वेंटी फोर्थ बट बिफोर ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ मे तो जो सिमरन है उसे जितना याद है अपने पापा का बर्थडे उसके अकॉर्डिंग उसको पता है कि ट्वेंटी फोर्थ मे के बाद है और किससे पहले है ट्वेंटी नाइन्थ मे से पहले है उनका बर्थडे इतना उसको याद है ठीक है तो यानी कि इनके बीच में कहीं पे उसका बर्थडे होगा तो इसके बीच में जो डेट आती है वो अभी हम देखेंगे आगे पढ़ते हैं हर सिस्टर रिमेंबर ये किसने बताया ये सिमरन ने बताया ये सिमरन के अकॉर्डिंग बातें थी सिमरन की सिस्टर जो थी तो इसकी सिस्टर सिस्टर के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला रिमेंबर दैट देयर फादर्स बर्थडे इज आफ्टर ट्वेंटी बट बिफोर थर्टी तो इसको जो याद है वो कब से है ट्वेंटी से और कब थर्टी फर्स्ट तक का इसको याद है कि इसको लगता है कि ट्वेंटी के बाद होगा लेकिन थर्टी फर्स्ट से पहले है ठीक है मे है ये दोनों ही नेक्स्ट में आगे बात करते हैं हर ब्रदर रिमेंबर इनके भाई हैं उनको भी याद है कुछ तो इनको क्या याद है दैट द बर्थडे इज ऑन एन इवन डेट तो इनको याद है कि जो डेट है वो कैंसिल होगी इवन डेट होगी तो अब आप इन दोनों से कंक्लूड करके बता सकते हैं तो चेक करते हैं ट्वेंटी फोर्थ के बाद यहाँ पे जो डेट आप देखेंगे अब आप, आपको देखना है इन दोनों के बीच में आनी चाहिए डेट ज़ाहिर सी बात है तो यहाँ पे देखेंगे ट्वेंटी सेवन्थ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ट्वेंटी एट्थ हो जाएगा और ट्वेंटी नाइन्थ हो जाएगा और थर्टी हो जाएगा तीन डेट बची ट्वेंटी नाइन नहीं ले सकते क्यों क्योंकि इवन डेट पे बताया गया है ठीक है तो इवन हमारे पास ट्वेंटी एट है और थर्टी है इसके बाद आप अरेंज करेंगे तो ट्वेंटी फाइव हो जाएगा ये हो नहीं सकता ट्वेंटी सिक्स हो गया ट्वेंटी सेवन हो गया ये भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये डेट नहीं होंगी तो बचा गया यहाँ पे सिर्फ एक बचा है ट्वेंटी एट और कैसा है इवन है तो यहाँ पे दोनों मैच हो रहे हैं क्योंकि थर्टी अगर आप लेंगे तो ये ट्वेंटी नाइन के बाद हो गया तो ऐसा तो नहीं दोनों स्टेटमेंट के बीच में हमारा आंसर है तो यानी कि जो हमें पता चला अब तक वो क्या है कि इस जो इनका बर्थडे आ रहा है वो कब आ रहा है ट्वेंटी एट मे को आ रहा है ठीक है ये वाले पॉइंट पर आ रहा है तो यहाँ से तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि एस को जो रिमेंबर था ट्वेंटी फोर्थ से लेकर ट्वेंटी नाइन्थ तक के बीच में आ गया ट्वेंटी सेवन से लेकर थर्टी फर्स्ट के बीच में भी आ रहा है और साथ में इवन डेट होनी चाहिए तो यस इवन डेट भी है ठीक है तो दैट मीन्स इनका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो क्या होगा ट्वेंटी एथ मे होगा ठीक है तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा तो यहाँ तक जो आपको समझ में आया जो हमने किया ये हमने ऑर्डर वाले जो रैंकिंग वाला पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया है तो रैंकिंग के जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेके 2023 के बीच में वो ये क्वेश्चन थे ठीक है तो आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे रैंक ऑर्डर पे बेस्ड क्वेश्चन वो भी होंगे 2011 से लेके 2023 तक के क्वेश्चन हम वहाँ पर भी उठाएंगे तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं थैंक यू थैंक यू, यू सो मच